टेक्स्ट लास्ट में कल हमने आपको लिखाया था संवैधानिक शासन का विचार कुछ वैसा क्या टॉपिक था हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कल हमने आपको लास्ट में संवैधानिक शासन का विचार लिखवाया था और ये संवैधानिक शासन उदारवादी चिंतन का परिणाम था संवैधानिक शासन के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात और जुड़ गई थी क्योंकि संवैधानिक शासन जिस बात का परिणाम था कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट डेमोक्रेसी वॉज एन आउटकम ऑफ थियोरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कंसेंट तो पश्चिमी जमाने में उदारवाद के विकास के साथ समझौते का विचार आया क्योंकि अगर व्यक्ति केंद्र में है व्यक्ति सबसे पहले आता है तो राज्य का निर्माण किसने किया है व्यक्ति ने समाज का निर्माण किसने किया है व्यक्ति ने तो हमेशा उदारवादियों ने माना कि व्यक्ति के अलावा ये जितनी भी चीजें हैं सब निर्मित हैं राज्य है सरकार है संविधान है स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन और ऑल आर आर्टिफिशियल क्रिएशन मेड बाय ह्यूमन बीइंग ये सब कृत्रिम संरचनाएं हैं इन किसी का ओरिजिनल अस्तित्व नहीं है तो ये सब क्या है मशीन है और ये सब मानव के समझौते के द्वारा बनी गई है तो फिर एक बार दिखता है कि व्हाट इज द प्राइमरी इंडिविजुअल आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दे आर द प्राइमरी एंड दे हैव क्रिएटेड ऑल द इंस्टीट्यूशंस तो फिर ये बात उदारवाद में बार बार आती है लास्ट में एक अगला हेडिंग है पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उदारवादी जिस अगली बात को मानते हैं वो है पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अगर हम उदारवाद का आर्थिक आधार देखें उदारवाद को कई तरीके से परिभाषित किया जा सकता है अगर हम उदारवाद का पॉलिटिकल बेस देखें तो इसे लेसेज फेर स्टेट और लिमिटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट अगर इसका हम सोशल डायमेंशन देखें तो इट बिलीव्स इन एटोमिस्टिक सोसाइटी अणुवादी समाज को मानती है अगर इसका हम इकोनॉमिक बेस देखें तो दैट इज बेस्ड ऑन कैपिटलिज्म पूंजीवाद है बाजारवाद है एक ही चीज को व्याख्यात करने कई तरीके हैं और अगर हम उदारवाद का फिलोसॉफिकल बेस देखें व्हाट इज अ फिलोसफिकल का मतलब जो इसेंस है ओरिजिन है कि व्हाट इज अ फिलोसॉफिकल बेस ऑफ लिबरलिज्म तो उदारवाद ये मान के चलता है कि मानव विवेकशील है ह्यूमन बींग आर रेशनल और हर व्यक्ति अपने हितों को बेहतर तरीके से जानता है इसलिए ऑटोनॉमी प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये उदारवाद के तो हम एक ही चीज को अलग अलग तरीके से व्याख्यात कर सकते हैं तो हम उदारवाद के इकोनॉमिक बेस को देखना चाहते हैं इकोनॉमिक बेस ऑफ लिबरलिज्म इज कैपिटलिज्म मार्केट इकोनॉमी उदारवादी किस बात को विश्वास करते हैं पहला और देखिए 17th सेंचुरी को उदारवाद को समझने के लिए वर्तमान एग्जाम्पल आप बता दें जिस समाज में आप रह रहे हैं वो समाज कैसा है उदारवाद की तरफ झुका हुआ है या किसी कंजर्वेटिज्म की तरफ उदारवाद की तरफ पहला एग्जाम्पल आप देख रहे हैं दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए जिस इकोनॉमी में आप रह रहे हैं ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है या नहीं तो आप जब किसी सिद्धांत को पढ़ते हैं पहले खुद से उसको जोड़ के देखिए ये बात विषय को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि यू आर लिविंग इन ए मार्केट इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आज आप जिस समय में रह रहे हैं उसी का नाम तो बाजारवादी अर्थव्यवस्था है तो बाजारवादी अर्थव्यवस्था का मतलब है जहां प्रोडक्शन निजी लोग करें जहां कीमतों का नियंत्रण बाजार करे और जहां हाई कॉम्पिटिशन हो हर क्षेत्र में कॉम्पिटिशन है अब टेलीकॉम इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन है रिलायंस के बीच में एयरटेल के बीच में ये क्या है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आपको कॉम्पिटिशन करना पड़ रहा है एग्जाम पास करने के लिए दैट इज साइन ऑफ कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म में हमेशा ओनरशिप किसकी होती है प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी जिस आप मकान में रहते हैं उसका ओनर कौन है कोई निजी व्यक्ति है तो कैपिटलिस्ट बिलीव इन अ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी और सही पूछिए और कैपिटलिस्ट इसलिए इस बात को विश्वास करते हैं कि कैपिटलिस्ट की मानव की प्राथमिकता को मानते हैं ह्यूमन बींग आर प्राइमरी ह्यूमन बींग आर मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मानव पहले आता है तो संपत्ति किसका परिणाम है मानव की क्षमता का
दैट इज अ कोर एजम्पशन ऑफ लिबरल्स. उदारवादी मानते हैं जो भी संपत्ति है, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी कहिए, जिसके पास जितनी संपत्ति है इसका मतलब उतना ही प्रतिभाशाली आदमी है. ये उदारवादियों कोर बिलीफ है. और जो गरीब है इसका मतलब निकम्मा है, बेकार का आदमी है, कोई भी आलसी आदमी है. अभी हम फिर कहें दैट इज अ कोर एजम्पशन ऑफ लिबरल्स. इसलिए आप याद रखिए संपत्ति क्या है, आपके क्षमता का परिणाम. आप कितने संपत्तिशाली हैं इस बात को कहने का दूसरा तरीका है आप बहुत प्रतिभाशाली हैं. यानी ये पूरी दुनिया आपकी है, अपनी प्रतिभा का प्रयोग करिए और नियंत्रित कर लिए. आप परीक्षा कैसे पास करेंगे, प्रतिभा क्षमता से, और परीक्षा पास करने के बाद संपत्ति बनाएंगे नहीं बनाएंगे. अब याद रखिए, अब जरा इस बात को याद रखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने यूरोप में एक नए क्लास को पैदा किया जो पूंजीपतियों का वर्ग था. इसके पहले यूरोप में संपत्ति जिसके पास थी उनका नाम था फ्यूडल लॉर्ड, सामंत. पहले संपत्ति का स्वामी कौन था, सामंत थे. सामंत का मतलब जमीनों का मालिक था. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इकोनॉमी में यूरोप में नया इन्वेंशन कर दिया, संपत्ति के मालिक वो बने जिनको परंपरा से संपत्ति नहीं मिली थी, बल्कि अपने ही खोज से, अपने उद्यम से, अपने स्टार्टअप से. आजकल आज की भाषा में स्टार्टअप इंडिया में चल रहा है. और आप देख रहे हैं कितने यंग यंग IITian इंडस्ट्री खड़ी कर रहे हैं. तो जो स्टार्टअप कर रहा है उस संपत्ति का मालिक कौन? अच्छा, ये कोई बुरी बात है, अच्छी बात है? संपत्ति का मालिक कौन होना चाहिए? जो प्रतिभाशाली है. और प्रतिभाशाली, प्रतिभा व्यक्ति की क्षमता की बाट है. और किसी की संपत्ति छीन लेने का मतलब क्या है, उसका कान तोड़ देना. शरीर क्या है हमारी इस प्रतिभा का देन, संपत्ति क्या है, इट इज एक्सटेंशन ऑफ आवर कैपेबिलिटी, आवर टैलेंट. अगर हमारी कोई संपत्ति छीन ले रहा है तो हमारी संपत्ति छीन ले रहा है, हमारे चमड़े को छीन ले रहा है. ये हमारे शरीर पे हमला होगा या संपत्ति पे हमला होगा? इसे लिबरल्स बिलीव इन द सैंक्टिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है. और इसलिए आप याद रखिए, यानी संपत्ति दो प्रकार की थी, एक तो संपत्ति जो हमें पूर्वजों से मिली और एक संपत्ति जो हम खुद बना रहे हैं. तो जो खुद संपत्ति बना रहे उसका मालिक कौन होगा? हम होंगे. यही कैपिटलिस्ट बिलीव करते हैं, यही उदारवादियों की इकोनॉमिक बेस है. तो लिखने के बाद पहला उदारवादी विचारक प्राइवेट प्रॉपर्टी को, प्राइवेट प्रॉपर्टी का देवनागरी लिपि में आप नाम लिख सकते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी. अच्छा, आपको याद दिलाते हैं प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी में फर्क होता है. प्रॉपर्टी का तो मतलब वो होता है जो भी आपको महीने में पैसा मिलता है जिससे आप पूरा खर्च चलाते हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी है. अच्छा, पहले प्रॉपर्टी कई रूप हो, किसी के पास गाय भैंस थी वही प्रॉपर्टी थी. लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी आप जो महीने का किराया देते हैं वो आपकी प्रॉपर्टी है. लेकिन जो किराएदार मकान में रहने का किराया वसूलता है वो क्या है? पैसे से पैसे कमाना, ये क्या है? प्राइवेट प्रॉपर्टी. पैसे से पैसे कमाना. और कैपिटलिज्म का बेस क्या है? पैसे से पैसे कमाना. आजकल सबसे रईस लोग क्या हैं? जो बैंक के मालिक हैं. और बैंक में क्या है? पैसे से पैसे कमाना. तो प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसलिए जब प्राइवेट प्रॉपर्टी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो इट इज नॉट मनी, ये प्रॉपर्टी नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है. जितने भी आजकल इन्वेस्टमेंट के फॉर्म है जो कैपिटलिस्ट करते हैं, शेयर खरीद लेना, बैंक चला देना, ये सब प्राइवेट प्रॉपर्टी है. उदारवादियों ने इसको जस्टिफाई किया है. और प्रॉपर्टी तो गुड्स के रूप में, भाई मशीन भी तो प्रॉपर्टी है, कार भी तो प्रॉपर्टी है, मकान भी तो प्रॉपर्टी है. इसीलिए याद रखिए दोस्तों, ये दुनिया कैसी है? पैसे की. इसे उदारवाद ने क्या सिखाया? खुदा की कसम, पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं. पैसे पैसे करती है, पैसे पे मरती है. और रब से क्यों नहीं डरती? रब है कहां जो डरे दोस्तों? डॉलर ही तो रब हो गया. यानी आधुनिकता ने भगवान को पीछे किया. अब बताइए आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? पैसा. बहुत सही बात है. भगवान चाहिए पैसा, भगवान चाहिए पैसा,
श्योर। और याद रखिए, अगर पैसा ही चाहिए दोस्तों, यही है सेकुलरिज्म। यानी उदारवाद ने किस चिंतन को आगे बढ़ाया? भगवान नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। और याद रखिए, आप कहते नाना भगवान चाहिए, मंगलवार को दर्शन करने जाते हैं, शनिवार को जाते हैं, जाते किसने हैं? भगवान को घूस देने के, भगवान ध्यान रखना। भगवान के पास जाने का इंतजाम क्या है? 10 रुपए का लड्डू चढ़ा के 1 लाख रुपए का बिल बना के चले जाते हैं। भगवान ये सब लिस्ट है, पूरा कर देना समय समय, पहले नौकरी, उसके बाद पार्टनर, उसके बाद मकान, उसके बाद कार, उसके बाद ये लिस्ट है। इसे आप याद रखिए दोस्तों, एक जमाना था जो लोग कहा करते थे, कम खाए बनारस मरे। ये फिलोसफिकल सोच थी, धार्मिक सोच थी कि बनारस जो मरेगा वो हिंदू धर्म की मान्यता थी, भन्नाटा स्वर्ग में जाएगा। अगर जो बनारस मरेगा, स्वर्ग के मार्ग में जड़ा भी बाधा नहीं आएगी, बाकी जगह हो सकता है ऐसा। इसलिए आज भी अगर यूपी में आप परंपरा देखेंगे, याद रखिए इस धार्मिक सोच था यूरोप में कैथोलिक्स की सोच। कैथोलिक्स की सोच बिल्कुल ऐसे हुआ करती थी कि ना ना भाई, हमें ईश्वर की प्राप्त करना है, आत्मा की प्राप्त करना है, परमात्मा की प्राप्त करना है। प्रोटेस्टेंट ने कहा नहीं, हमें जीवन में पैसा चाहिए, संपत्ति चाहिए, शक्ति चाहिए, और ये इसका मतलब भौतिक चीजें चाहिए, पारलौकिक नहीं। देयर इज टू वर्ल्ड, एक तो भौतिक दुनिया है, मेटेरियल वर्ल्ड, मेटाफिजिकल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ये सब क्या है? मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल मीन्स बियॉन्ड फिजिकल। तो जब हम कह रहे हैं संपत्ति मूल हो गया, तो पंथ निरपेक्ष विचार तो अपने आप आ गया। सेकुलरिज्म एक विचारधारा है और पंथ निरपेक्ष राज्य उसी का परिणाम है। तो फिर राज्य ने कह दिया भाई धर्म से हमारा मतलब नहीं है, हमारा मतलब लोक व्यवस्था से या धर्म से है। कल हमें राज्य का मूल काम क्या है? आप 100 नंबर को भी फोन करिए कि भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान खुश नहीं हो रहा है, तेरा हमारी मदद करो। पुलिस मदद करेगी? नहीं। आपका पर्स खो गया है, उसमें वो मदद करेगी। इसलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब पूरा चिंतन ही बदल गया, पूरा चिंतन बदल गया। और आज तो दोस्तों आप लिबरलिज्म के पीक में है। जो इंग्लैंड में उदारवाद आया था, उसका बिल्कुल 21वीं शताब्दी, उसका चरमोत्कर्ष से, तो आप पूरे उदारवादी विश्व में तो है ही है, जो आप पढ़ रहे हैं उसी में है। और पढ़ाई वही चीज जाती है इसका कोई ना कोई प्रासंगिकता हो। तो आपने क्या लिखा? उदारवादियों ने, उदारवादी विचारकों ने प्राइवेट प्रॉपर्टी का जोरदार समर्थन किया। They supported the notion of private property. और लॉक ने तो यहां तक कहा कि संपत्ति व्यक्ति का पैदाइशी अधिकार है। लॉक ने तो यहां तक कहा कि संपत्ति व्यक्ति का पैदाइशी अधिकार है। It is a natural right which is given by the birth to individual. संपत्ति व्यक्ति का पैदाइशी अधिकार है। इसीलिए उदारवादी संपत्ति पर व्यक्ति के स्वामित्व के समर्थक है। दे सपोर्ट द ओनरशिप ऑफ इंडिविजुअल ओवर द प्रॉपर्टी। इसलिए वो संपत्ति पर व्यक्ति के स्वामित्व के समर्थक है। और परिणाम स्वरूप बाजारवादी अर्थव्यवस्था को मानते हैं। देयरफॉर दे बिलीव इन अ मार्केट इकोनॉमी। इसलिए उदारवादी बाजारवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक है। ये पूंजीवाद को मानते हैं। दे बिलीव इन द कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। ये पूंजीवाद को मानते हैं। ये बाजारवादी अर्थव्यवस्था को मानते हैं, पूंजीवाद को मानते हैं। और इसी बात को अब एक स्कॉलर के संदर्भ में आप बता दें,
जो बात हम सामान्य शब्दों में कहते हैं, लिखने में थोड़ा स्कॉलरशिप का प्रयोग कर लेते हैं, एडम स्मिथ ने एडम स्मिथ इंग्लैंड का इकोनॉमिस्ट था, एडम स्मिथ ने बाजारवादी व्यवस्था का समर्थन करते हुए एडम स्मिथ ने बाजारवादी व्यवस्था का समर्थन करते हुए अदृश्य हाथ इनविजिबल हैंड अदृश्य हाथ का विचार दिया। एडम स्मिथ ने बाजारवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हुए अदृश्य हाथ का विचार दिया, इनविजिबल हैंड। आपको याद दिला दें, इनविजिबल हैंड का मतलब होता है मार्केट का है, जब मार्केट का मतलब है इकोनॉमी चलती रहती है, भाई इकोनॉमी की प्राइस कैसी है, डिमांड कैसी है। अब ध्यान से आप देखेंगे, मार्केट की कीमत कोई रेगुलेट करने वाले कोई मैकेनिज्म नहीं है, अपने ही रेगुलेट होता रहता है डिमांड एंड सप्लाई के प्रिंसिपल से। यही इनविजिबल, इनविजिबल का मतलब जो दिखता नहीं, विजिबल जो दिखता है, इनविजिबल जो नहीं दिखता। और राज्य दिखती है, सरकार दिखती है, जो लेसेस फेयर स्टेट कहिए, इनविजिबल स्टेट कहिए, अभिप्राय एक है। इनविजिबल का मतलब विच इज हिडन, विच इज नॉट मैनिफेस्टेड, इसलिए अर्थव्यवस्था का संचालन राज्य करेगा ही नहीं। अर्थव्यवस्था का संचालन कौन करेगा? बाजार। भाई यही तो फ्रीडम, अब हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, फ्रीडम यही से का मतलब स्वतंत्रता है। जब सब कुछ राज्य ही करेगा तो हमें करने क्या मिलेगा? राज्य केवल इतना करेगा कि जब दो लोग लड़ेंगे, इसलिए उदारवादियों के हिसाब से क्या है राज्य, क्या है? डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। राज्य क्या है? विवाद के निवारण की संस्था है। पुलिस का मूल काम क्या होता है? विवाद को हल करना। न्यायालय का मूल काम है विवाद को हल करना। जरा ध्यान से देखिए, जो पुलिस सर है राज्य का रूप है, विवाद को हल करता है, न्यायालय राज्य का रूप है, विवाद को हल करता है। स्टेट इज मेयरली अ डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, उसके ज्यादा राज्य का कोई काम नहीं है। ये राज्य हमें कभी नहीं बताएगा हमें क्या करना है, हमें क्या करना है हम बताएंगे। बस राज्य को करना है कि आप दूसरे के जीवन पर हमला मत करिए, दूसरे की संपत्ति मत छीनिए, यहीं पर राज्य काम आएगा। यही तो अदृश्य हाथ का विचार है। इसे अगर राज्य आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो आर्थिक गतिविधियां करना व्यक्ति की स्वतंत्रता है। यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता केवल सरकार के चयन तक नहीं है, कपड़े के चयन तक नहीं है, और फ्रीडम ऑफ चॉइस में यह भी तो होगा कि हमारा रोजगार कैसा होगा, हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होगी, हमारा आर्थिक आधार क्या होगा, ये सब व्यक्ति ही चयन करेगा। इसलिए लिबरल्स ने हमेशा प्राइवेट प्रॉपर्टी को जस्टिफाई किया। बल्कि माल्थस, एक अंग्रेज अर्थशास्त्री था, माल्थस ने तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते हुए यहां तक कह दिया, माल्थस ने कहा कि वैसे भी जब उद्यमी आए नई नई फैक्ट्री लगा के, तो जब उद्यमियों ने नई नई फैक्ट्री लगाई तो उसमें बहुत सारे वर्कर्स आए, वर्कर्स ने काम करना शुरू किया, तो वर्कर्स को सही तरीके से वेजेस मिले नहीं, उनको सही भुगतान नहीं हुआ, सही पेमेंट नहीं हुआ। और माल्थस ने कहा वर्कर्स को ज्यादा पेमेंट बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। उसने कहा आयरन लॉ ऑफ वेज, यानी जो मजदूरी का एक लौह सिद्धांत है, आयरन लॉ वेज का मतलब है अगर वर्कर को ज्यादा मजदूरी देंगे ज्यादा बच्चा पैदा करेंगे, ज्यादा बच्चा पैदा करेंगे तो श्रम ज्यादा हो जाएगा, वर्किंग फोर्स ज्यादा हो जाएगा, वर्किंग फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो लेबर अपने आप कम हो जाएगा। तो सब किसी भी कीमत से इन्हें ज्यादा पैसा देना वैसे ही बेकार है। ये उदारवादियों का बाजारवादी आधार है। तो सवाल है, ये उदारवादी है या पूंजीवादी है? इनका सही नाम क्या है? ये उदारवादी है पूंजीवादी है? ये बड़ा ध्यान देने की बात है। इसलिए कई लोग तो ये कहते हैं कि उदारवादी विचार आया कैसे, उन्होंने कहा कि ये उदारवाद क्या है, एक ऐसी सोशल फिलॉसफी है, ऐसी पॉलिटिकल विचारधारा है, ऐसी सोशल विचारधारा है जो जो नए संपत्तिशाली वर्ग थे जो 17वीं शताब्दी में आया। भाई 17वीं शताब्दी में पैसे वाला एक नया वर्ग आ गया, एक नया संपत्तिशाली वर्ग आ गया, और वो संपत्तिशाली वर्ग कैसा था? जो उद्योगों का मालिक था, ही वॉज ओनर ऑफ इंडस्ट्रीज, ही वॉज ओनर ऑफ इंडस्ट्रीज। जो पैसों का मालिक था उन्हें अपने पैसे को जस्टिफाई करने के लिए, पैसे को प्रिजर्व करने के लिए कोई एक नया विचार देना था, तो उसी का नाम क्या हो गया? उदारवाद। उदारवाद ने आजादी दी, लेकिन सवाल है किसके लिए, पूंजीपतियों के लिए या सबके लिए?
ध्यान से सोचने की बात है। अभी तो उदारवाद क्या, उदारवाद को हमने क्या पढ़ा, आजादी दे दी, अधिकार दे दिया, डेमोक्रेसी दे दी, नागरिकता दे दिया। लेकिन सवाल है, शहर पैदा कर दिया, शहर ने आजाद कर दिया, शहर ने किसको आजाद कर दिया, पूंजीपतियों को या रिक्शा चालक को? दोस्तों आजाद हुआ कौन? तब लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। उनका, अरे ये बड़े होशियार हैं, नहीं तो बुर्जुआजी, दे यार बुर्जुआजी, ये पूंजीपति है, और पूंजीपतियों ने अपने संपत्ति को जस्टिफाई करने के लिए कौन सा नया विचार दे दिया? अच्छा, पुलिस की आवश्यकता पैसे वाले को होती है या गरीब आदमी को होती है? जिसके पास पैसा है उसी की तिजोरी के साथ भाई। कई कई लोगों में आप देखें दरवाजे पर लिखा हुआ था, वीवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। अब पता चले जिसके पास उतनी आजीविका नहीं है, खुद उसी जीवन में जी रहा है, वो क्या कुत्ता रखेगा, वो क्या कुत्ता रखेगा यार? इसे दोस्तों आजकल पूंजीवादी समाज है। कुछ आदमी का जीवन, अब हम सुबह सुबह क्या शब्द का प्रयोग करें, डीओजी जैसा है दोस्तों। और कई लोगों ने दो दो तीन तीन डीओजी रखा हुआ है। आजकल फैशन डॉगी रखना। अब सोचिए ये कितनी विषम दुनिया है दोस्तों। आजादी किसको मिली? शहर में आके कौन आजाद हुआ दोस्तों? कौन आजाद हुआ? यानी ये पूंजीपतियों की आजादी थी या सबकी आजादी थी? लेकिन उदारवाद ने क्या बताने का प्रयास किया? ना ना, सब आजाद हो गए, सब मुक्त हो गए। और इसके खिलाफ रिएक्शन क्या आया, आगे आपको बता देंगे। इसी लोगों ने कहा, ना ना, ये पूंजीपति है, ये उदारवादी नहीं, इनका सही नाम याद रख लो। ये सही नाम इनका क्या है? दे आर द हार्ड कोर कैपिटलिस्ट। इसलिए उदारवाद पूरे समाज का विचार है या वर्ग विशेष का विचार? उदारवाद पूरे समाज का विचार है, अमीरों का विचार? ये डिस्प्यूट खड़ा हुआ। इसका जवाब हम बाद में देखेंगे। अभी तो हम कोर एलिमेंट आप देख लें, लिबरल, क्लासिकल लिबरल्स के कोर एलिमेंट क्या थे? तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को बहुत सपोर्ट करते थे। और इसलिए आप याद रखिए, ये संवैधानिक शासन की बात करते हैं या आजादी की बात करते हैं जिसे संपत्ति के अधिकार में कोई दखल न देने पाए। राज्य आपकी संपत्ति छीन नहीं सकता, यही तो हस्तक्षेप था ना। स्टेट कांट इंटरफियर इन योर प्राइवेट प्रॉपर्टी, आप उसके मालिक हैं। अगला लास्ट, उदारवाद का फिलोसॉफिकल डायमेंशन क्या है? लास्ट हेडिंग है। जो उदारवाद का पहला चरण है, इसकी दार्शनिक मान्यता क्या है? व्हाट इज द फिलोसॉफिकल डायमेंशन ऑफ लिबरलिज्म? उदारवाद का दार्शनिक आधार क्या है, उसकी दार्शनिक मान्यता क्या है? देखिए हम दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक हिस्टोरिकल, दूसरा फिलोसॉफिकल। जब हम किसी शब्द का प्रयोग करें, उदारवाद की ऐतिहासिक उत्पत्ति, शब्दों पर हमेशा समझ अच्छी रखिए। और मैं बार बार कहता हूं, शब्दों पर ही अगर आप समझ बन गई तो बाकी कुछ पढ़ना होता नहीं। तो आप शब्दों पर खूब माथापच्ची करिए, एक एक शब्द के क्लियर कट मतलब होने चाहिए, उसके पास सेंसिटिविटी होनी चाहिए। और मान लीजिए अगर कभी आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, कभी इनिशियली जो नॉन बैकग्राउंड के लोग उनको प्रॉब्लम हो रही हो, वो प्रॉब्लम होगी नहीं। क्यों? अभी तो हमने उदारवाद में स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग किया, फिर स्वतंत्रता अलग टॉपिक है। अभी हमने डेमोक्रेसी शब्द का प्रयोग किया, फिर डेमोक्रेसी अलग टॉपिक है। अभी अधिकार शब्द का प्रयोग किया, अधिकार अलग टॉपिक है। लास्ट में सारे इंटीग्रेटेड है, तो सब सबको हम एक्सपेंड कर देंगे। फिर भी कोई भी शब्द आपको मिले तो उसके बेसिक मतलब समझ, अच्छा इसका मतलब ये होता है। इसलिए जब हम शब्द का प्रयोग फिलोसॉफिकल, और जैसे एक शब्द का प्रयोग करते हैं हिस्टोरिकल, जब कहते हैं हाउ लिबरलिज्म ओरिजिनेटेड, तो जब हम उत्पत्ति की बात करते हैं, तिथि की बात करते हैं, दिन की बात करते हैं, तब उसका मतलब उसका ऐतिहासिक आधार हम देखना चाहते हैं। और जब हम ये देखना चाहते हैं कि जैसे आपके हिसाब से बात करें, तो आप पैदा कब हुए थे, इसका मतलब हम आपको हिस्टोरिकल बेस पर ढूंढना चाहते हैं, आप कहां पैदा हुए थे, कौन से गांव में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, वो कौन सा देश काल था। देन आई एम टॉकिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ योर। और फिलोसॉफिकल का मतलब है आपके जीवन का पर्पज क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, जीवन का उद्देश्य आपका क्या है। देन आई एम टॉकिंग ऑफ फिलोसॉफी ऑफ इंडिविजुअल। हर व्यक्ति के जीवन का एक दर्शन होता है, और कई बार तो इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि आपके जीवन की फिलोसॉफी क्या है। अभी तो हम उदारवाद की फिलॉसफी देख रहे हैं, हर व्यक्ति के जीवन की एक फिलॉसफी होती है। वो हो सकता है आपकी फिलॉसफी लिबरल हो, या हो सकता है आपकी फिलॉसफी कुछ और हो।
कई बार व्हाट्सएप पे स्टेटस देखकर भी व्यक्ति के जीवन की फिलॉसफी को पता लगा सकता है। हम ये नहीं पता है कितना इसकी उम्र हो गई, उम्र बताना है, हिस्ट्री बताना है। इसे लड़कियां बिल्कुल ठीक करती है, उम्र नहीं बताती, लड़के भी नहीं बताते दोस्तों। ये दोष केवल लड़कियों पे, ये पैट्रियार्कल मेंटेलिटी है, लड़कियों को दोष देते हैं। कोई अपनी उम्र, कई लोग तो 4-5, कई लोग तो 10 साल कम उम्र को मरता है। ये क्या यार, उनका अच्छा मतलब अच्छा फील होता है, बड़ी बड़ी उम्र कर क्यों बताएं। इसे याद रखिए, हम किसी की उम्र पूछे तो उसकी हिस्ट्री पूछ रहे हैं, हम पूछे अपने जीवन में किया क्या, करना क्या चाहते हो, क्या उद्देश्य है, उसकी फिलॉसफी पूछ रहे हैं। इसलिए हम लिबरलिज्म की फिलॉसफी ढूंढ रहे हैं कि लिबरलिज्म का बेस क्या है, उसका चिंतन क्या है, उसका रूट क्या है। तो लिबरलिज्म की फिलॉसफी क्या है, पहला फिलोसफिकल बेस क्या है, पहला। उदारवादियों की दार्शनिक मान्यता है या मूल मान्यता कह लीजिए, द बेसिक एजम्पशन ऑफ लिबरल्स, उदारवादियों की दार्शनिक मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील है, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज रेशनल। फिर इस शब्द का इतना महत्व आपको कल भी हमने बताया था, इसका फिर एक एग्जांपल आपको बता दें। जब 17वीं शताब्दी था तो यूरोप में, आज तो आप ट्रेड फेयर आप जाएंगे, ट्रेड फेयर आप जरूर जाइएगा, खरीदने कुछ नहीं, देखने, पूरी इंडिया की डायवर्सिटी जगह देखना हो तो गो इन ट्रेड फेयर। पूरे भारत की डायवर्सिटी आप एक जगह देखेंगे, उसमें केरला का स्टॉल होगा, तो दिल्ली में रहने के सब फायदे हैं, उसमें बहुत सारी जीएस की जानकारी, मेघालय में क्या होता है, केरला में क्या होता है। मैं ट्रेड फेयर की बात मैं क्यों कर रहा हूं, फिलोसफिकल बेस एक खास बात है। और ट्रेड फेयर में जाएंगे तो हो सकता है, या बुक फेयर मैंने कई बार देखा प्रगति मैदान में, बाइबिल की किताब मुफ्त मिलती है। इतिहास में कितना बड़ा परिवर्तन है, 17वीं शताब्दी में जब लॉक पैदा हुआ था तो उस समय पोप के द्वारा बाइबिल किसी को दी नहीं जाती थी, बल्कि पोप खुद ही उसका मतलब पढ़ के बताता था। तो लोग ने कहा, पोप महोदय ये बताओ बाइबिल हमें दो, उनका बावरापन कर रहे हैं, बाइबिल तुम्हें दे तुम समझ लोगे। लॉक ने कहा हम समझ लेंगे। पोप ने कहा बेवकूफी वाली बात मत करो, तुम बुद्धिहीन हो, नालायक हो, पापी हो। दैट वॉज अ नोशन ऑफ ह्यूमन बींग, फॉलन इंडिविजुअल, फॉलन मैन। और वहां से ये हो गया रेशनल, यानी हमारे लिए बेस्ट क्या है, पोप बताएगा कि मैं बताऊंगा। आपके लिए बेस्ट क्या है, मैं बताऊंगा कि आप बताओगे, आप बताओगे। हमारे लिए बेस्ट क्या है, बापू बताएगा या हम बताएंगे, रेशनल। अभी देखिए कितना बड़ा शब्द इंडिविजुअल, रेशनल। ये नीर शीर का विवेक करना हमें आता है, दैट इज अ फिलोसॉफिकल बेस ऑफ लिबरलिज्म। आप हमें बताइए मत, हमें ये मत बताइए कल्चर धर्म, ना हमें नहीं चाहिए, मुझे सब पता है। इतिहास हमसे शुरू होगा, 200 साल पहले क्या हुआ, आई डोंट बिलीव इन दैट। मेरी मर्जी, अपने भी शादी में न जाऊं तो मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, लिखने की बात। उदारवादी व्यक्ति की स्वायत्तता में विश्वास करते हैं, दे बिलीव इन ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल्स। They believe in autonomy of individuals, और इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने हित को पूरा करना चाहता है, अपना हित अंडरलाइन, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल वॉन्ट टू फुलफिल हिज आर हर ओन इंटरेस्ट। प्रत्येक व्यक्ति अपने हित को पूरा करना चाहता है, यानी याद रखिए दोस्तों, थोड़े सामने बहुत हार्डकोर शब्द का प्रयोग नहीं किया मैं, सीधा बात को कह देता, जिसका मतलब यह व्यक्ति का स्वभाव मूलतः स्वार्थी होता है। और बात याद रखिए, तार्किक होने और स्वार्थी होने में कोई विरोधाभास नहीं है, सच तो यह है तर्क नहीं है, मैं स्वार्थ बताया। बच्चा स्वार्थी होता है या बड़ा,
बच्चा विवेकशील होता है बड़ा, अपने ये मेरा है ये तुम्हारा है ये हमें विवेक ने सिखाया। उदाहरण हमने इस शब्द का थोड़ा कठोर शब्द होता है कि आदमी लालची होता है, उदारवाद का फिलोसॉफिकल बेस कुछ ऐसा ही है कि हर आदमी अपनी भलाई के लिए काम करना चाहता है। आप कहें यार ये तो और बड़ा अनैतिक विचार है, दूसरे की भलाई नहीं नहीं नहीं। क्लासिकल लिबरल्स बिलीव क्या करते हैं, अपनी संपत्ति अपना परिवार। इसलिए आप देखिए आधुनिकता ने न्यूक्लियर फैमिली पैदा किया या प्राचीनता ने, हम कोई चीज शेयर नहीं करना चाहते। भाई न्यूक्लियर फैमिली का नाम क्या है, वी डोंट बिलीव इन शेयर। भाई हमारी संपत्ति है, मैं भाई में शेयर नहीं करूंगा, बापू की क्यों दू। बापू कहते हैं भाई कमाते हो थोड़ा मुझे भी दिया करो, मैं क्यों दू, मैं घूमूंगा यूरोप घूमूंगा ऑस्ट्रेलिया घूमूंगा, दुनिया मिली हुई मुझे, मैं बापू की क्या। इसी याद रखिए किसी का एहसान नहीं है। उदारवादी क्या मानते हैं, अगर आप आईएएस बन गए किसी का एहसान लेने की आवश्यकता नहीं, बापू न स्कूल न यूनिवर्सिटी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सवाल ही पैदा नहीं होता ना। डोंट बिलीव इन दैट। आप जो भी हैं अपने कारण हैं, इसलिए ईच एंड एवरी इंडिविजुअल वांट टू मैक्सिमाइज हर ओन इंटरेस्ट, अपना फायदा अपना फायदा। आप कहें यार ये तो बात गड़बड़ है, अब गड़बड़ हो सही हो अलग बात है, उदारवादी इसी बात विश्वास करते हैं। बेंथम ने स्कोर आगे बढ़ा दिया, बेंथम ने कहा नहीं मामला और ज्यादा है, और ज्यादा क्यों है अब एक सवाल आप पूछेंगे। कुछ लोग आप देखेंगे क्लास में हमेशा फैन के नीचे बैठना चाहते हैं, एसी के सामने बैठना चाहते हैं, ऐसा मतलब अनजाने में हो जाता है कुछ जानबूझकर आप करते हैं। कुछ लोग बहुत एकदम से कॉर्नर वाली पोजीशन देखेंगे एकदम यहां पे, अच्छा जो लोग इसका तर बैठते हैं कुछ जानबूझ कैसा काम करते हैं, मतलब ऐसे अनजाने में हो जाता है। एक खास बात आप देखिए, अच्छा आप लोग बैठे हुए हैं और आपके पीछे इस समय एक हीटर लगा दे, मतलब आप कैसा लगेगा आपको। और दूसरा आप बैठे हुए हैं और आपके पीछे एक रिमोट कंट्रोल्ड फैन लगा दें कि थोड़ा सा गर्मी हुई फैन चल जाए और जैसे थोड़ा सा मौसम टेम्परेट हुआ फैन बंद हो जाए, किस ऑप्शन को आप चूज करेंगे। अच्छा साहब अब सुबह सुबह आ रहे हैं, आपको एक आदमी चाय लेकर खड़ा हुआ दूसरा नीम की पत्ती, क्या लेंगे क्यों। बहुत ध्यान से रूढ़िए। और लास्ट क्वेश्चन है, आप जीवन में करना क्या चाहते हैं, आपके जीवन का पर्पज क्या है। दोस्तों अब चूंकि हम विचार पढ़ेंगे विचारधारा पढ़ेंगे तो बार बार ही मुद्दा उठेगा, समाज का पर्पज क्या है, राज्य का पर्पज क्या है, जी यही तो पॉलिटिकल फिलोसफी है भाई, राज्य का पर्पज क्या है, समाज का पर्पज क्या है, और राज्य समाज हमसे मिलकर बनता है पहले हमारा पर्पज क्या है। आप जीवन में पाना क्या चाहते हैं, क्यों इतनी जद्दोजहद में है? सुबह 8 बजे आप उठ के एकदम से क्लास में एकदम बैठ जाते हैं, मुझे भी आना पड़ता है, कई 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 बार हमें सोचना पड़ेगा भाई इतने सुबह सुबह अच्छी ठंडी में नींद खराब करके आप आते हैं, तो सेक्रीफाइस तो आप कर रहे हैं, पर्पज क्या है क्या। लिख लीजिए पर्पज क्या है। अगला पॉइंट, बेंथम ने उदारवादी दर्शन को व्यक्त करते हुए कहा, वाइल बेंथम प्रोपाउंडेड द लिबरल फिलोसफी, बेंथम ने उदारवादी दर्शन को व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा सुख अर्जित करना चाहता है। ईच एंड एवरी पर्सन सुख अंडरलाइन वांट टू मैक्सिमाइज हिज और हर ओन प्लेजर। प्रत्येक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा सुख अर्जित करना चाहता है, सुख प्लेजर अंडरलाइन। यानी आपको याद दिला दें हमारे जीवन का मूल पर्पज क्या है। बेंथम के हिसाब से उदारवादी था बेंथम, जीवन में ज्यादा ज्यादा सुखों को अर्जित करना और दुख को कम से कम करते जाना। इसलिए यकीन मानिए आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, उसके पीछे मिलने वाले सुख वो बार बार आपको अट्रैक्ट करते हैं। तो उदारवाद की फिलॉसफी यह है, व्यक्ति पहले आता है, व्यक्ति तार्किक है, वो समझदार है, इसलिए
न पोप उसे बताएगा क्या करना है, न चर्च बताएगा, न राज्य बताएगी, न सरकार बताएगा, न हमारा पड़ोसी बताएगा। और अगर व्यक्ति रेशनल है, अपने फायदे की बात सोचता है, और इनसे फिर पूछा गया ये बताओ यार फिर समाज की बात तो आप करते रहे, उसने कहा भाई अगर हर व्यक्ति अपने फायदे की बात सोचेगा तो अल्टीमेटली पूरे समाज का फायदा अपने आप हो जाएगा, क्योंकि समाज किससे मिलकर बनता है, व्यक्तियों से। इनसे पूछा गया अच्छा ये बताओ फिर समाज का सुख क्या होगा, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम, तो पूरे समाज में क्या है ज्यादा से ज्यादा लोग सुखी हो जाएं, ये समाज का दर्शन है, ये उदारवाद का बेसिक कंपोनेंट है, यही क्लासिकल लिबरल की बातें हैं। अब उदारवाद आगे कैसे बढ़ा, और आप याद रखिए आगे तक यही डिबेट रहेगा, रिपीटिशन इतना ज्यादा है, आगे जितना चेंज हुआ बेसिक एलिमेंट चेंज होने वाले नहीं है। तो बेसिक एलिमेंट उदारवाद के हमने भी पढ़ लिए, उसी में होता शब्द बदल जाए, विचार तो लगभग यही रहेगा, थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा, विचार लगभग यही रहेगा। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, चूंकि अब इससे हम आगे बढ़ेंगे, तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसको समराइज कर दें कि क्लासिकल लिबरल्स के बेसिक टीनर्स हमने क्या देखे, तो अभी तक हम समराइज कर दें फिर इसके आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने जितनी बात बताई तो शास्त्रीय उदारवादियों के क्लासिकल लिबरल्स के अभी तक हमने बेसिक टीनर्स क्या देखे, या निगेटिव लिबरल्स। क्लासिकल शब्द का प्रयोग जब हम करते हैं इसका मतलब है कि when we are tracing the origin of liberalism, और negative शब्द का प्रयोग करते हैं इसका मतलब विचार क्या है, बात एक ही शब्द है। और क्लासिकल का मतलब है जहां से किसी चीज का ओरिजिन होता है, जैसे कई बार हम कहते हैं क्लासिकल म्यूजिक, तो म्यूजिक जहां से ओरिजिन हुआ, जहां से आरंभ हुआ, वो हम क्लासिकल शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अभी तक हमने जो बात पढ़ी उसका सारांश आपको बता दें, क्योंकि इसी बात को हमें आगे बढ़ाना है, उदारवाद के दूसरे फेज को देखना है। तो हमने जो पढ़ी गई उसके बाद को हम इस सेंस में आपको बता दें, पहला हमने क्या पढ़ा कि व्यक्ति यानी उदारवादी किस बात को विश्वास करते हैं, व्यक्ति की प्राथमिकता, द प्रीमेसी ऑफ इंडिविजुअल। ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल, और जब ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल की बात की जाएगी तो लिबर्टी अपने आप आ जाएगी। ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल्स का मतलब है लिबर्टी, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वायत्ता हमने पहला आधार देखा उदारवाद का। दूसरा आधार क्या देखा, लिमिटेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, सीमित और संवैधानिक सरकार। लिमिटेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, सीमित और संवैधानिक सरकार। तीसरा हमने देखा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, बाजारवादी अर्थव्यवस्था। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, बाजारवादी अर्थव्यवस्था। और चौथा कि इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट, तो उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ईच एंड एवरीथिंग इज आर्टिफिशियल, तो व्यक्ति की प्राथमिकता कारण, ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल कारण स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट यहां तक कि सोसाइटी इज एन आर्टिफिशियल क्रिएशन बाय ह्यूमन बीइंग, ये कृत्रिम है जो मानव के द्वारा निर्मित है, राज्य है, सरकार है, सोसाइटी है, और व्यक्ति का भला इज इक्वल टू समाज का भला, यही मानते हैं, व्यक्ति का भला समाज का भला। और दूसरी बात हम आपको फिर बता दें, ये उदारवादी विचार किसके अगेंस्ट आया था, सामंतवादी विचार के। तो उदारवाद क्यों इंपॉर्टेंट था, अभी इंपॉर्टेंट बता, फिर कोई प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं इस बात का, अभी तो हमने इसी विषय से देखी, अब हम प्रॉब्लम देखेंगे तभी अगला डेवलपमेंट देखेंगे। तो आपको बता दें उदारवाद अगर आगे बढ़ा तो जस्ट आपको एक विशेषता बता दें, उदारवाद का मतलब है यूरोपीय समाज में एक परिवर्तन हो रहा है। हिस्टोरिकल परिवर्तन की बात करें तो राजा के शासन से लोकतांत्रिक शासन पहला परिवर्तन, यूरोपियन सोसाइटी वर ट्रांजिशनिंग थ्रू मोनार्की और फ्रॉम डेमोक्रेसी टू मोनार्की। दूसरा परिवर्तन कहां पर हो रहा था, विलेज बेस्ड सोसाइटी बिकेम अर्बन बेस्ड सोसाइटी, गांव आधारित समाज कहां बन गए, शहर आधारित। तीसरा समुदाय प्रधान समाज कहां बन गया, व्यक्ति प्रधान,
इंडिविजुअल बिकेम मोर इंपॉर्टेंट देन कम्युनिटी, और सामंतवादी अर्थव्यवस्था कहां बदल गई, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो और इसके पहले लिबरल 17वीं शताब्दी पहले का यूरोप कैसा था, सामंतवादी फ्यूडल फर्स्ट, रिलीजियस सेकंड, राजतंत्री फोर्थ, पोप डोमिनेटेड फिफ्थ। यानी उदारवाद ने पोप को हटाया, राजा को हटाया। इस वजह से ये प्रगतिशील विचार है या नहीं, ये प्रोग्रेसिव था या नहीं, ये व्हाइट वॉज प्रोग्रेसिव, लोकतंत्र ये लाया, स्वतंत्रता ये लाया, पंथ निरपेक्षता ये लाया, इट वॉज अ प्रोग्रेसिव। इसके बावजूद प्रॉब्लम कहां आई, हम उस पर ध्यान दें। प्रॉब्लम कहां आई वो ध्यान दें। प्रोग्रेसिव है, बहुत सारी चीजें उसने हमें दी, लेकिन प्रॉब्लम तो आई, कैसे प्रॉब्लम आई। अब इसके एप्लीकेशन को देखें, ये उदारवाद का पहले विचार आया और बाद में इसका इंस्टीट्यूशनल यूज हुआ। तो अमेरिका में यूज हुआ पहला, ब्रिटेन में तो पहले से चल रहा था, अमेरिका में संविधान वगैरह लिख दिया गया, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन का मूल बेस ब्रिटेन था। और अब देखेंगे, यानी ब्रिटिश समाज पहली बार इंडस्ट्रियलाइज हुआ, अर्बनाइज हुआ, इंडिविजुअल बिकेम फ्री, और उदारवाद ने तो ये सोचा था व्यक्ति की भलाई इज इक्वल टू समाज की भलाई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। पहली बार 1930 के दशक में यूरोप आर्थिक मंदी का शिकार था, यानी पहली बार प्रॉब्लम आई। अभी तक तो हमने सोचा था बाजार के साथ पास सारी समस्याओं का समाधान है, मार्केट इकोनॉमी कैन एड्रेस ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, लेकिन समस्या कहां पर आई, नंबर एक, इकोनॉमिक क्राइसिस इन यूरोप। जैसे यूरोप में आर्थिक संकट आया, उससे उदारवाद की इस मूल मान्यता पर बहस शुरू हो गई कि व्यक्ति की भलाई इज इक्वल टू समाज की भलाई। और जैसे आर्थिक संकट आया, इस बात पे सवाल खड़ा हो गया कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज नॉट ए परफेक्ट मैकेनिज्म टू कंट्रोल द इकोनॉमी, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली अर्थव्यवस्था को संचालित करने का सबसे बेहतरीन मॉडल नहीं है, उसमें करेक्शन की सख्त आवश्यकता है। अब ये बहस शुरू हो गई क्योंकि, और दूसरा एग्जाम्पल अब देखेंगे, दूसरा पैरेलल एक एग्जाम्पल था 1930 के दशक में, इंटायर यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स जहां पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थे वो क्राइसिस में थे। अक्टूबर 1917 में सोवियत संघ में पहली बार सोशलिस्ट इकोनॉमी का प्रयोग किया गया था, उसका अलग से पढ़ेंगे। और ये सोशलिस्ट इकोनॉमी ऑन द जस्ट कॉन्ट्ररी, समाजवादी अर्थव्यवस्था इस मंदी का शिकार नहीं थी, बल्कि इसका उल्टा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में लगातार प्रोग्रेस जारी था, समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रोग्रेस लगातार जारी था। यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी वॉज इन द अपर हैंड, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सफलता देखी जा रही थी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नीचे आ रही थी। तीसरा, तीसरा यानी इसका मतलब समाजवाद के बढ़ते प्रभाव ने पूंजीवाद पे बड़ा गहरा सवाल उठा दिया। तो लोगों को लगने लगा कि नहीं नहीं भाई, कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी का सिस्टम ठीक नहीं है, जो अभी तक उदारवादियों ने कह रखा है ये बात गलत है। और तीसरी बात, जितने लोग बढ़े हुआ क्या भाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, तो देर वॉज ए विजिबल इंस्टांसेज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन ए फ्यू हैंड। आजादी मिली कुछ लोगों को, इसे जितने भी शहर थे वो अमीरों के शहर और गरीबों के शहर में बढ़ गए, जितने भी शहर थे, यानी पॉवर्टी पहली बार शहरों में देखी गई, गरीबी, बीमारी, अशिक्षा, और वर्कर्स की जो श्रमिकों की कंडीशन थी जानवरों से अधिक नहीं थी, इवन वर्कर्स वेर लिविंग इन ए वेरी एक्यूट पॉवर्टी। और आपको याद रखिए, इन चीजों को रटने की आवश्यकता है क्या, आज के समाज में क्या समस्या है, यही समस्याएं हैं। जहां जहां पूंजीवाद रहेगा कमोबेश इन्हीं समस्याओं को पैदा करेगा वो, तो ये समस्याएं खासतौर पर आ गई। और आपको याद दिला दें, ऐसा नहीं कि ब्रिटेन में कमीशन की स्थापना हुई थी, उस कमीशन ने पहले ही बात कह दिया कि नहीं, हमारे यहां जो खाने के मजदूर हैं वो तो ऐसे काम कर रहे हैं जैसे लगता है कि मजदूर काम करते हों। क्योंकि आप याद रखिए, उदारवादी विचार ने क्या बताया, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
भाई फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट मकान मालिक मजदूर के बीच होगा, पहला कॉन्ट्रैक्ट मकान मालिक किराएदार के बीच होगा, कॉन्ट्रैक्ट मालिक और मजदूर के बीच होगा। तो सवाल है, मजदूर मालिक से कॉन्ट्रैक्ट करता है, मजदूर की मजबूरी है भाई, मजदूर कहां बार्गेन कर पाएगा हमें इतना पैसा चाहिए, वो तो मालिक उससे काम करवा लेता है। कॉन्ट्रैक्ट काम करता है जब इक्वल पोजिशन हो, जब आप समान स्थिति होंगे तब दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जब आप खुद ही मार्जिनलाइज है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या करेंगे। इसलिए सवाल है, उदारवाद ने सभी को अमीर बनाया या मुट्ठी भर लोगों को अमीर बनाया? मुट्ठी भर लोगों को अमीर बनाया। उदारवाद ने सभी को स्वतंत्रता दी या बहुमत समाज गरीबी पैदा कर दी? ये तो साफ तौर पर समस्याएं दिख रही थी, इंग्लैंड में दिखा, यूरोप में दिखा। और इसलिए याद रखिए, इस समस्या के प्रति पहले कुछ कार्लाइल और कई ऐसे कवि थे जिन लोगों ने समस्या को उठाया, उनका भाई ऐसे शहर हमने कैसे बना लिए। तो बात ठीक थी, ये पर पहले वर्कर क्या थे, किसान थे। किसान थे तो सामंतों के हाथ में शोषित होते थे, और मजदूर बनके पूंजीपतियों के हाथ में शोषित हो रहे हैं। इसलिए आसमान से गिरे खजूर पर अटके। मजदूरों के लिए कैसी दीपावली दोस्तों, दीपावली किसके लिए है? इसे शहर जगमग तो है, शहर में कार है, जगमग है, चमचम है, किसके लिए? कैपिटलिस्ट के लिए, पूंजीपतियों के लिए। अब याद रखिए, और जब यह समस्या उत्पन्न हुई उसी समय 18वीं 19वीं शताब्दी में मार्क्स इंग्लैंड की लाइब्रेरी में बैठकर विचार लिख रहा था। मार्क्स का विचार आगे आपको बताएंगे। मार्क्स ने कहा, इस समस्या का समाधान मेरे पास है। मार्क्स से पूछा, तुम्हारे पास समस्या का समाधान है? क्यों, क्या? उन्होंने कहा, ये जो है ना, इसको उड़ा दो, जला दो, खाक कर दो, ये खत्म कर दो इसको। मार्क्स ने जब ये बात कहनी शुरू की, उदारवादियों को लगा, अरे यार ये तो बड़ा खतरनाक, मतलब ये हमें खत्म कर देगा, ये सब प्रॉब्लम में कर देगा। इसे खास बात याद रखिए, उदारवादी विचारधारा अपने आप को ऐसा करेक्शन करती है, फ्लेक्सिबिलिटी इज की ऑफ लिबरल फिलोसफी। और बात याद रखिए, लिबरल फिलोसफी पैदा हुई ब्रिटेन से, और ब्रिटिश वासियों का स्वभाव ही बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, वो कभी रिजिडनेस नहीं रखते। परिस्थितियां ही अपने आप को चेंज कर लिया, इस उदारवाद में समस्याएं साफ दिख गई। और मार्क्स का चैलेंज सीधे था, मार्क्स ने कहा था, मैं समस्या का समाधान कर दूंगा, मैं इनको एकदम तबाह कर कर दूंगा, मैं पूरी नई दुनिया बनाऊंगा। मार्क्स बाद पूछा, मार्क्स बाबा दुनिया कैसी बनाओगे? उसने कहा, जहां मजदूर ही शासक होगा। कहा, अच्छा बाबा ऐसा होगा, मजदूर शासक हो जाएगा? उन्होंने कहा, हाँ शासक हो जाएगा, कंपनी का मालिक मजदूर होगा। मजदूर का इसका मतलब अच्छे दिन आ जाएंगे। मार्क्स ने आश्वासन क्या दिया था, अच्छे दिन आने का, और सारे मजदूर एकदम से आंदोलित हो गए। पूंजीपतियों को लगा कि उनकी सत्ता हिल जाएगी, और इसीलिए इंग्लैंड के कई फिलोसफर फिर मैदान में आ गए। उनका ना ना, हमारे पास समस्या का समाधान है, हमारे पास है समस्या का समाधान। इसलिए उदारवाद पर पहला हथौड़ा मारा गया संशोधन का। इसे आप याद रखिए, उदारवादी विचार परफेक्टनेस की तलाश नहीं करता, मार्क्सिस्ट बिलीव इन परफेक्टनेस। इसलिए उदारवाद से आप क्या सीखिए, हमेशा फेज वाइज गोल बनाइए। गोल आईएएस बनने का नहीं होना चाहिए, गोल एनसीईआरटी खत्म करने का होना चाहिए। हम क्या गोल बनाते हैं, लाल बत्ती का, नीली बत्ती का, पहले गोल ही गलत है। अच्छा, जिन लोगों ने साइंस पढ़ रखा है, साइंस परफेक्शनिज्म में बिलीव करता है या इंक्रीमेंटल चेंज में? डोंट बिलीव इन परफेक्शनिज्म कि हम ऐसी दुनिया बनाएंगे, हम ऐसा मानव जीवन बनाएंगे। अरे पार्ट वाइज करो। अच्छा, अगले दो महीने का हमारा प्रोजेक्ट क्या है, ये पॉलिटी खत्म करना है, इकोनॉमी खत्म करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। डोंट थिंक अबाउट एग्जामिनेशन, थिंक अबाउट टारगेट। उदारवादी ऐसे ही काम करता है। तो उदारवाद कोई बात नहीं, अगर प्रॉब्लम है तो वी विल करेक्ट दैट। इसलिए उदारवादी ट्रायल एंड एरर पे काम करता है, दे डोंट बिलीव परफेक्शनिज्म। कोई परफेक्ट होता है नहीं, आदर्श होता है नहीं, हम चेंज करते जाएंगे। चेंज कर दिया उदारवादियों ने, चेंज किया। चेंज कैसे किया, पहला हेडिंग चेंज हो जाएगी, आधुनिक उदारवाद। नव उदारवाद नहीं, दोनों फर्क है, मॉडर्न लिबरलिज्म, आधुनिक उदारवाद।
और एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट थे, एक और लिबरल था, स्पेंसर उसका नाम था। स्पेंसर शरीर से बड़ा कमजोर था, शरीर से इतना वीक था कि वो जब कोई बात लिखने खुने की बात होती थी तो अपना एक दोस्त लेता था और नाव पर बैठता था और नाव पे चला जाता था, तो दोस्त से दोस्त बोलता था कि मिल स्पेंसर बोलता था भाई ये लिखो, वो लिखता चला जाता था। स्पेंसर की आंखें 2-4 मिनट का लगातार खुली रह गई, उसको प्रॉब्लम हो जाती थी तो लिख नहीं पाता था, नाव पे जाके लेट जाता था और नाव चलती जाती थी, वो बोलता जाता था, उसका दोस्त लिखता जाता था। तो उसके दोस्त ने जब ये सवाल पूछा था, स्पेंसर सर ये बताओ कि जो ये यूरोपीय समाज में प्रॉब्लम गरीबी हो गई है, समस्या आ रही है, विषमता आ रही है, उसका समाधान कैसे किया जाए? स्पेंसर ने कहा हमारे पास समाधान है। क्या? कहा जितने गरीब लोग हैं, बेकार लोग हैं, सब एकदम से कामचोर लोग हैं, ये समाज को पीछे खींचने वाले हैं, इनको बोरिया में भरो और समंदर में ले जाके फेंक दो। इसको क्या कहते हैं? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। स्पेंसर ने ऐसा विचार दे दिया। और जब ये विचार मिल के पास पहुंचा, मिल वॉज इंग्लिश एंड ही वॉज ए लिबरल, और मिल और मार्क्स एक ही लाइब्रेरी में लिख रहे थे इंग्लैंड में, विचार अलग अलग थे और दोनों एक ही समस्या का सामना कर रहे थे, कैपिटलिज्म, विचार अलग अलग थे। इसे याद रखे दोस्तों, इंग्लैंड का आदमी हर परिवर्तन को होले होले करता है। कैसे परिवर्तन होगा? होले होले। आप इंग्लैंड के उदारवादी विचार पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नाना पाटेकर की मूवी नहीं देख रहे हैं, रणबीर कपूर की। कि मेरे रणबीर कपूर की मूवी देखी, जवानी दीवानी देखी, तो उसमें तकिए से मार, तकिए से लग जाएगा। मैं लड़ाई तकिए से हो फिर तो लड़ाई का मजा ही कुछ और है, लठ से लड़ाई हो फिर तो प्रॉब्लम है। मार्क्सवादी हमेशा लठ हाथ में रखते हैं, मार्क्सवादी नाना पाटेकर कान खुजला खुजला के मारता है नाना पाटेकर। लिबरल सर लाइक रणबीर कपूर, ईच एंड एवरी चेंज इज पॉसिबल बट होले होले, इंक्रीमेंटली, पीसफुली, कॉन्स्टिट्यूशनली। इसलिए आप याद रखिए, इंग्लैंड के लोग ही उदारवादी हैं। इसलिए पहली बार शांतिपूर्ण क्रांति कहां हुई? इंग्लैंड एकमात्र ऐसा देश जहां रेवोल्यूशन तो हुआ, इट वॉज अ ब्लडलेस, ब्लडलेस रेवोल्यूशन। अच्छा, उदारवादियों का अंदाज लखनवी अंदाज जैसा है। लखनऊ में आप जानते हैं, लखनऊ में कोई आदमी एक दूसरे गाली देता है तो ऐसा देगा जो 2 मिनट बाद आप समझ पाए तो गाली देके चला गया, तो उस समझ नहीं पाएंगे मजाक करके गया, गाली देके चला गया। मारवाड़ी लखनवी इतने मीठे मीठे बात करेंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे गाली दे रहा है कुछ और कर रहा है। इसलिए उदारवादियों का अंदाज कैसा है? लखनवी। चेंज किया उन्होंने, चेंज क्या किया? पहला, जे एस मिल ने, जे एस जॉन स्टुअर्ट, जे एस मिल ने शास्त्रीय उदारवादी विचारों में संशोधन किया। जे एस मिल ट्राई टू रिवाइज द आइडिया ऑफ क्लासिकल लिबरल्स। जेस मिल ने शास्त्रीय उदारवादी विचारों को संशोधित किया, संशोधन अंडरलाइन। अच्छा, एक बहुत शब्द पे ध्यान दीजिए, ये संशोधन था या रिजेक्शन था? हम किस शब्द का प्रयोग करें? संशोधन। इट वॉज नॉट अ रिजेक्शन। भाई संशोधन का मतलब उसमें कुछ ठोंक पीट कर देंगे, भाई संशोधन का मतलब उसमें कुछ हम मेंटेनेंस कर देंगे। ये रिजेक्शन नहीं था कि उदारवादी विचार खराब है, शास्त्रीय उदारवादी विचार खराब है ऐसा नहीं था, बस उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट करने की आवश्यकता थी, बस थोड़ा सा कुछ नए फीचर जोड़ने की आवश्यकता थी। आजकल आधुनिक टेक्नोलॉजी की बात हम करें तो कई बार मोबाइल में आप नए फीचर जुड़वा लेते हैं क्या? पता नहीं कैसे लोग कहते कि नया फीचर जुड़वा लिया, कुछ नए फीचर आ गए, अपडेट कर। अच्छा, वैसे ही वो इट वॉज संशोधन, अमेंडमेंट, इट वॉज नॉट रिजेक्शन। तो शब्दों पर ध्यान दीजिए, और इसीलिए इसका दूसरा भी नाम है संशोधित उदारवाद। इसलिए इसका नाम क्या है? रिवाइज लिबरल। इसलिए आधुनिक उदारवाद का दूसरा नाम क्या है? रिवाइज लिबरलिज्म। किसका रिवीजन? क्लासिकल का।
तो नाम एक ही है। इसीलिए इसे संशोधित उदारवाद भी कहा जाता है। Therefore, it is also known as a revised liberalism. इसलिए इसे संशोधित उदारवाद कहा जाता है। और मिलने मिलने पुलिस राज्य की धारणा को परिवर्तित करते हुए मिलने पुलिस राज्य के विचार या धारणा को परिवर्तित करते हुए इवन मिल है चेन द नोशन ऑफ पुलिस स्टेट मिलने पुलिस राज्य की धारणा का परिवर्तन करते हुए कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट कल्याणकारी राज्य के विचार का समर्थन किया। He supported the idea of welfare state. अब आप देखेंगे कि अब अच्छा स्टेट वेलफेयर कब हो जाएगा। देखिए स्टेट के दो काम है, एक फर्स्ट कंपल्सरी फंक्शंस ऑफ स्टेट, एक राज्य के अनिवार्य काम है, कोई भी राज्य रहेगा वो करेगा ही। वो अनिवार्य काम क्या है, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, और दूसरा प्रोटेक्टिंग सिटीजन फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहरी आक्रमण से नागरिकों की रक्षा, बाहरी आक्रमण से नागरिकों की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स, और तीसरा टू मेंटेनिंग एंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, समझौते की स्वतंत्रता को बनाए रखना। ये सारा राज्य का अनिवार्य काम है। ये राज्य के सारे पुलिस स्टेट वाले काम है, नाइट वॉचमैन स्टेट वाले काम है। मिलने राज्य के इन कामों को स्वीकार किया क्योंकि इनके बिना तो राज्य हो ही नहीं सकता। राज्य इज अ डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, ट्रू, राज्य व्यवस्था बनाता है ये भी सच है, लेकिन मिलने किन नए कामों को जोड़ा, सोशल एंड इकोनॉमिक। तो मिलने क्या कहा कि दीज आर सम वॉलेंट्री फंक्शंस ऑफ स्टेट, कुछ राज्य के स्वैच्छिक काम भी हैं। वॉलेंट्री फंक्शन का मतलब स्वैच्छिक काम। तो मिलने क्या कहा, राज्य का यह भी काम है कि शिक्षा देना, टू इंपार्टिंग एडुकेशन, राज्य का यह भी काम है। राज्य का काम क्या है, वृद्धों को पेंशन देना, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ एल्डर्स, वृद्धों को पेंशन देना यह भी राज्य काम है। तीसरा मिनिमम वर्किंग आवर्स को निर्धारित करना यह भी राज्य काम है। यानी न्यूनतम कार्य सीमा को निर्धारित करना, काम के निश्चित घंटों को निर्धारित करना राज्य का यह भी काम है। और राज्य का काम शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ की सुविधा भी प्रदान करना है। अब आप देखिएगा, यानी पहली बार मिल जैसे विचारक ने, पहली बार किसी लिबरल ने राज्य के इन कामों को बताया। अच्छा एक ही शब्द को लिखने कई तरीके हो सकते हैं। आप बताइए ये राज्य का काम नेगेटिव है, नकारात्मक है या नहीं। दिस इज ए नेगेटिव फंक्शन ऑफ स्टेट, ये राज्य का नकारात्मक काम है। और ये नकारात्मक है सकारात्मक है, नकारात्मक है सकारात्मक है, क्योंकि सकारात्मक का मतलब क्या है, ये राज्य कुछ दे रहा है, यहां पर जो आपके पास है वो छीनने से मना कर रहा है। और एक खास बात है, इसी बात को दूसरा भी शब्द है। अच्छा अब नकारात्मक सकारात्मक का मतलब क्लियर है। इसलिए आधुनिक उदारवाद का और नाम क्या है, पॉजिटिव लिबरलिज्म, क्योंकि राज्य का काम पॉजिटिव हो गया। भाई किसी यहां पुलिस का काम तो नेगेटिव होता है, यूनिवर्सिटी काम नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है,
यानी अगर आप आज की डेट में दिल्ली में घूमेंगे, पहले अगर आप 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में जाते तो वहां राज्य किस रूप में देखता? पुलिस स्टेशन के रूप में, सेना के रूप में, यहीं पर राज्य था, न्यायालय के रूप में। आज राज्य कहां पर दिखेगा? एम्स राज्य है या नहीं है? अब बताइए, एम्स का फंक्शन सामाजिक है या वो रेगुलेटिव है? इसी बात को लिखना दूसरा तरीका है। ये क्या है? राज्य के नियंत्रणकारी काम। ये क्या है? रेगुलेटिव फंक्शन ऑफ स्टेट। ये राज्य के नियंत्रणकारी कार्य है। दिस वन इज रेगुलेटिव फंक्शन ऑफ स्टेट। ये राज्य को नियंत्रण करते हैं। या नियंत्रणकारी का मतलब है कि व्यक्ति दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप न करे, दूसरे का जीवन संपत्ति छीन न ले। दैट इज अ प्रोटेक्शन, रेगुलेशन, दैट इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट। और ये नियंत्रणकारी है या वेलफेयर फंक्शन है? वेलफेयर, दिस इज अ वेलफेयर फंक्शन ऑफ स्टेट। अब देखिए, एक ही कॉन्सेप्ट है तो आप हमेशा रटने पर ध्यान मत दीजिए। एडुकेशन, मिनिमम वर्किंग आवर्स, और ये क्या है? नहीं नहीं, एल्डर्स के लिए, एल्डर्स के लिए न्यूनतम सुविधाएं, पेंशन के लिए कुछ भी, वृद्धों के लिए वृद्धावस्था पेंशन। हेडिंग क्या है? स्वैच्छिक कार्य है राज्य के। एक ही बात है। अब जो सुनने की बात है, अब एक सा मतलब सुन नहीं रहे मेरी बात को, बोर्ड ही देख रहे हैं, तो सुन भी लीजिए। यानी कहने का मतलब, एक ही चीज को हम कई शब्दों से व्यक्त कर सकते हैं। अब जरा सोच के देखिए, इसलिए जब वेलफेयर फंक्शंस का मतलब कहते हैं, उसको इसके अलग मतलब है। वेलफेयर को पॉजिटिव फंक्शंस कर लीजिए, ये इसका मतलब है। राज्य का काम रेगुलेटिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पॉजिटिव। आज राज्य किस भूमिका में है दोस्तों? ये जो हमारे यहां वेलफेयर स्टेट का विचार लिया गया, वो हमने इंग्लैंड से ही तो लिया। राज्य लोगों के घर बनवा रहा है दोस्तों। प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य क्या बनवा रहा है? घर। अगर लॉक के समय आप पूछते, साहब घर नहीं है मेरे पास, लॉक ने कहा आसमान के नीचे रहो नालायक कहीं का, घर मांग रहा है कामचोर। घर नहीं है तो इसके लिए मैं क्या करूं? लेकिन अब क्या कर रहा है? नहीं, किसी के पास दोस्तों जिसका कोई नहीं, उसका भगवान तो है या नहीं है पता नहीं है, राज्य जरूर है। इसे आप याद रखिए। अब सवाल, इसी बात को जरा दूसरे एंगल से देखिए। पहले क्या कहा गया था? अगर राज्य एक आवश्यक बुराई है, बुराई कहा गया कि नहीं कहा गया? कल हमने आपको बताया था, मैं पुलिस का काम तो मेंटेन करना है, रेगुलेट करना है। ये बताइए, राज्य आवश्यक बुराई है या आवश्यक अच्छाई है? क्या है? वेलफेयर स्टेट को यह भी तो कहा जा सकता है। राज्य आवश्यक अच्छाई है। यानी एक बात याद रखिए दोस्तों, आपके कितने ऐसे लोग हैं जिनका कभी पुलिस के साथ आमना सामना नहीं हुआ? इस क्लास में 95% लोग ऐसे होंगे जो आज तक कभी पुलिस स्टेशन गए ही नहीं होंगे। सच बात है कि नहीं? उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। नहीं तो गए हैं तो अच्छी बात है, उसमें बुरी की बात है? भाई स्टेट है तो स्टेट के पास जाने में कोई बुराई थोड़ी है। लेकिन एक बात याद रखिए, लेकिन इनमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो स्कूल न गया हो। स्कूल कौन चलाता है? राज्य। पुलिस स्टेशन कौन चलाता है? हमारा ज्यादा सरोकार पुलिस स्टेशन से होता है या स्कूल से होता है? ओ माय गॉड, मैं तो राज्य का कितना धन्यवाद करूं दोस्तों, मेरा दिल पसीज जा रहा है दोस्तों। माय हार्ट गोज आउट ऑफ। अब सच पूछिए, क्यों? हम लोग जब मास्टर्स में पढ़ते थे, साल भर की फीस 120 रुपए थी दोस्तों, एमए की फीस थी। हॉस्टल की फीस 200 रुपए थी। ओ माय गॉड, हम लोग पढ़े लिख लिख रहे किसके बदौलत दोस्तों? राज्य के बदौलत। और हमें तो अभी भी याद है, जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो राज्य इंजेक्शन लेके आता था, इंजेक्शन लगाएंगे, और हम लोग भाग खड़े होते थे। इंजेक्शन देख के मैं भाग खड़े होते थे, और क्योंकि इंजेक्शन उस समय पता है बड़ा पेनफुल होता था। उस समय का इंजेक्शन तो वो भैंस वाला इंजेक्शन होता था। दैट वॉज ट्रू। मतलब अभी तो इतना डेवलप हो गया कि इंजेक्शन लग जाए आपको पता नहीं चलता। अब ऐसा मामला था, इतना पेनफुल होता था कि बच्चे उसको देख के भागते थे। बच्चों को भागा, पकड़ के रखा जाता था और इंजेक्शन लगवाया जाता था। मतलब इसमें वैक्सीनेशन दोस्तों, राज्य ने दलिया खिलाया, इंजेक्शन लगवा दिया।
अब तो साइकिल दे रहा है, मुफ्त में बैग दे रहा है, यूनिफॉर्म दे रहा है, स्कूल दे रहा है दोस्तों, नौकरी दे ही रहा है, उसके बाद तो वेतन वेतन पेंशन वृद्धों के पास। और सच पूछिए, अगर व्यक्ति का निधन हो जाए तो कोई जाए न जाए, राज्यंत में एम्बुलेंस भेज देता। अभी वाराणसी मुझे कुछ दिनों पहले जाने का मौका मिला तो मैंने देखा कि एक वोट है जो व्यक्ति को घाट से लेके वो स्मशान घाट तक ले जाती थी। मैंने कहा इसका पैसा उनका नहीं, मुफ्त में है। मैंने किसने किया, राज्य ने। ओह माय गॉड, पैदा हुए राज्य की गोद में। सरकारी हॉस्पिटल कौन है, राज्य? तो सरकारी हॉस्पिटल में पैदा हुए, राज्य की गोद में पैदा नहीं हुए? राज्य की गोद में पैदा हुए और अंतिम यात्रा में भी राज्य ने उठा लिया। अच्छा है या बुरा है? राज्य ना होता दोस्तों हम होते? राज्य है तो हम है। ऐसा राज्य वेलफेयर कहा जाना चाहिए नहीं, लिखने की बात। अब देखिए उदारवादियों ने कितनी व्यवस्थित तरीके से राज्य का स्वरूप बदल दिया। पुलिस राज्य से क्या हो गया, कल्याणकारी राज्य। कितने व्यवस्थित तरीके से राज्य को बदला, यानी जो बातें मार्क्स ने कही थी उसे उदारवादियों ने लगा दिया। देखिए मार्क्स ने तो कहा था मैं ये दे दूंगा, उदारवादियों ने कहा उसके देने से पहले दे दो सब। और याद रखिए कहा भी जाता है इसलिए समाजवाद के प्रभाव ने उदारवाद को वेलफेयर बना दिया। लिबरल्स बिकेम वेलफेयर, उधर वेलफेयर। अब फिर स्कॉलर्स ने क्या कहा, बात तो बड़ी सामान्य है। तो हमने पहले बता दिया समझने की बात हमारी लैंग्वेज और होती है, लिखने की लैंग्वेज थोड़ा अलग हो जाती है। अगला, इंग्लैंड के ही उदारवादी विचारक ग्रीन ने कहा, ग्रीन वही ग्रीन जो हरा होता है, ग्रीन, उदारवादी विचारक ग्रीन ने कहा कि राज्य एक आवश्यक अच्छाई है, स्टेट इज अ नेसेसरी गुड। राज्य का आवश्यक अच्छाई है और यह इज अ नेसेसरी गुड, और यह बाधाओं को बाधित करता है। इट इज हिंडरिंग टू हिंडरेंसेस ऑफ गुड लाइफ। यह बाधाओं को बाधित करता है, इट इज हिंडरिंग टू हिंडरेंसेस ऑफ गुड लाइफ। याद रखिए दो निगेशन शब्द का प्रयोग, बाधाओं को बाधित करना। एक खास बात है, जो कोई फिलोसफर बोलता है, कोई बड़ा आदमी है, तो वो हमेशा उपमात्मक रूप में बोलता है, सीधे नहीं बोलता। और इसलिए आप देखेंगे सारे निबंध इस बार कैसे पूछे गए, फिलोसफिकल। तो जब विचार पढ़ने से हमारा ये पार्ट बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, बाधाओं को बाधित करना, तो हमें हमेशा शाब्दिक रूप में सोचने गायत नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा उपमात्मक रूप में सोचने गायत होनी चाहिए। जैसे बाधाओं को बाधित करना है, डबल निगेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सवाल है बाधाएं कैसी हैं, बाधित कौन करेगा? बाधाएं कैसी हैं, गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, शराब। ग्रीन का बड़ा भाई बहुत बड़ा शराबी था, उससे बहुत पीड़ित था, उसका एक व्यक्तिगत जीवन भी था। याद रखिए ये जीवन की बाधाएं हैं। अब बताइए ये जीवन की बाधाएं ग्रीन के लाइफ में ही थी, इंग्लैंड में थी, हमारे समाज में भी है? हमारे समाज में है ये बाधाएं हैं, और बाधाओं को बाधित कौन करेगा, राज्य। इसलिए बाधित कैसे करेगा, कल्याणकारी सुविधाओं को प्रदान करके। इससे पता बाधाओं को बाधित करना, हिंडरिंग टू हिंड्रेंसेस ऑफ गुड लाइफ। तो बाधाएं क्या हैं, जीवन में आने वाली समस्याएं, गरीबी, बीमारी, निरक्षरता।
बाधाओं को बाहित करना, इसलिए बाधाओं को बाहित करने का सीधा शब्द क्या कहा जाए, लोगों का कल्याण करना। लोगों का कल्याण करने को उसने कैसा टेक्निकल बना दिया। मैं कोई फिलोसफर है इतनी आसानी से बात कर दे कि फिलोसफर किस बात का होगा। एक फिलोसफर गौशाला में आया और चार गाय वहां खड़ी थी। उसे पूछा कितनी गाय है, उसने कहा 16 पैर दिख रहे हैं, क्योंकि एक गाय में चार पैर होते हैं इसलिए पैर की गाय की संख्या कितनी होगी, 4। फिलोसफर जब तक बात को टेढ़ा मेढ़ा नहीं करे भाई, किस तब तो हम आप जैसा आदमी आम आदमी हो जाएगा। इसलिए बाधाओं को बाहिज करना, इसे राज्य का आवश्यक अच्छाई हो गई। आवश्यक अच्छाई कैसे हो गई, अब सवाल है उन लोगों ने क्या देखा था, उन लोगों ने क्या कहा था, राज्य का हमारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, यही तो विचार था। राज्य के काम बढ़ेंगे हमारी आजादी कम होगी, यही तो क्लासिकल लिबरल्स ने बता रखा था, राज्य को सीमित करो सीमित करो, उसकी शक्तियों कम करो। यहां राज्य को सीमित करो तो राज्य के काम बढ़ने से लोगों की आजादी छिनती है या बढ़ती है, राज्य के काम बढ़ने से लोगों की आजादी छिनेगी या बढ़ेगी, ये लोग क्या मानते हैं। अब दोस्तों बताइए लिबरल्स क्या मानते हैं, आजादी चयन की स्वतंत्रता ऑटोनॉमी। तो सवाल है हमें चयन की स्वतंत्रता है कि कोई भी रोजगार चयन कर लें, बोले बिना पढ़े लिखे, बिना पढ़े लिखे कैसे करेंगे। इसलिए राज्य स्वतंत्रता छीनता है या स्वतंत्रता का विस्तार करता है। अगला पॉइंट, ग्रीन के संबंध में यह कहा जाता है कि उसने उदारवाद को पूरे समाज का दर्शन बना दिया। लिबरलिज्म बिकेम द फिलोसफी ऑफ एंटायर सोसाइटी इन ब्रिटेन। उसने उदारवाद को पूरे समाज का दर्शन बना दिया। अब यह केवल पूंजीपतियों का विचार नहीं रहा, इट वॉज नो लॉन्गर एन आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिस्ट मेयरली। यह केवल पूंजीपतियों का ही विचार नहीं रहा, इसने उदारवाद को पूरे समाज का दर्शन बना दिया। इसलिए इसे आप याद रखेंगे, यानी बात को सीधे से कहा जाए, देखिए कोई विचार होता है, कोई सरकार हो कोई विचार हो, उसकी रीच मैक्सिमम होनी चाहिए। अब देखिए इस बात को अगर हम बहुत व्यवहारिक रूप में बता दें, आजकल आप देखेंगे कोई सरकार सत्ता में होती है तो प्रयास होता है कि वंचित वर्ग जब तक उसको वोट नहीं करेगा पावर में नहीं आएगी। कोई विचार जन जन तक पहुंचे इसके लिए विचार से फायदा जन जन तक होना चाहिए। तो अभी तक उदारवाद की आजादी का तो पूंजीपतियों ने फायदा लिया, ये फायदा किसको जाएगा, आम लोगों को। पर यही तो काम सरकार करती है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी ब्रांडिंग क्या थी, बनियों की सरकार है ये। अब बीजेपी कह रहा है लो हम टॉयलेट बनवा रहे हैं, अब बताओ किसकी सरकार है। तो कहते हैं हाँ यार ये तो स्वच्छ भारत कर रहे हैं, घर बनवा रहे हैं। यानी कोई भी विचार होता है जन जन तक जब तक नहीं पहुंचेगा उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा। यही बात उदारवादियों ने किया। तो उदारवाद ग्रीन ने कहा कि ना ना भाई हम ये सब लेकर आएंगे। और बताइए ये सब सुविधाओं की आवश्यकता पूंजीपतियों को तो नहीं थी, पूंजीपति तो पहले से शिक्षित थे। ये सरकारी सुविधाओं की आवश्यकता किसको होती है, समाज के गरीब वर्ग को। इसका मतलब है नाउ लिबरल आइडियोलॉजी बिकेम द आइडियोलॉजी ऑफ एंटायर सोसाइटी। तो अब इस पर आपत्ति, और जब एंटायर सोसाइटी की विचारधारा एक्सेप्टेंस अपने आप ज्यादा मिल जाएगा तब लोग किसी विचार खिलाफ नहीं हो पाएंगे। जिस विचार से आप फायदा ले रहे हैं उसके खिलाफ आप कभी नहीं खड़े होंगे, कभी नहीं खड़े होंगे। इसलिए ग्रीन ने कैसे उसको मोड़ दिया, अलग दिशा में चेंज कर दिया, राज्य का काम बदल कर रख दिया। दूसरा भी बदलाव हुआ, दूसरा हेडिंग अच्छा, उसको दूसरे हेडिंग लिखने से पहले इसी काम को एक नए शब्द में यूज कर लीजिए बस अगला, पर उसके बाद हेडिंग लिखिए कल्याणकारी राज्य के इस विचार को
the welfare of this is the welfare state also known as welfare state also known as kalyankari rajya ke is vichar ko naini state bhi kaha gaya dai rajya NANY naini kaun dai hota hai caretaker इस राज्य को नैनी राज्य का भी नाम दिया गया नैनी स्टेट का नाम भी दिया गया जिसने जन्म से लेकर मृत्यु तक जिसने जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के जीवन की आवश्यकताओं को पूरा किया जन्म से लेकर मृत्यु तक अंडरलाइन इवन इट इज ऑल्सो नोन एज ए क्रेडल टू डेथ स्टेट इसने जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा किया इट इज ऑल्सो नोन एज ए क्रेडल टू डेथ स्टेट अब जगह धर्म देखें दूसरा विचार तो पहला उसने क्या कर दिया सीमित राज्य को बदलकर कल्याणकारी राज्य के रूप में कर दिया दूसरा हेडिंग क्या है समुदाय को प्राथमिकता दूसरा हेडिंग है द प्रेमेसी ऑफ कम्युनिटी समुदाय को प्राथमिकता समुदाय को प्राथमिकता देखिए वहां पे क्या था व्यक्ति को प्राथमिकता अब देखिए ये डिबेट पॉलिटिकल थ्योरी में उदारवादी विचारधारा में आगे तक चलती रहेगी व्यक्ति पहले है या समाज वैसे कुछ सोसाइटी और कम्युनिटी में भी फर्क करते हैं तो हम कम्युनिटी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं सोसाइटी का मतलब ऐसा होता है जो लोगों के द्वारा बन जाए जैसे कहते हैं RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एक तरीके से बनी हुई सोसाइटी है लेकिन कम्युनिटी शब्द का प्रयोग जब करते हैं जो स्वाभाविक हो और एक व्यक्ति दूसरे पर अंतर निर्भर हो इंटरडिपेंडेंट हो जैसे गांव में पहले कोई काम होता था तो हर एक व्यक्ति उसके यहां से कुछ सामान लाया दूसरे के यहां कुछ सामान लाया तो कम्युनिटी में हमेशा एक बॉन्डिंग होती है इंटरडिपेंडेंस होता है तो कई लोग इसीलिए पहले से लोग कम्युनिटी शब्द का प्रयोग करते थे तो ये विवाद तो आगे तक चलता रहेगा पहले हम हैं या पहले परिवार कम्युनिटी का रूप क्या है परिवार विद्यालय विश्वविद्यालय पड़ोस राष्ट्र ये कम्युनिटी है पहले हम हैं या पहले समाज ये इंडस डिबेट है लेकिन इन लोगों ने क्या माना पहले समुदाय है और ये बात बहुत एथेंटिकली ग्रीन ने कही तो पहला ग्रीन पहले उदारवादी हैं ग्रीन इज अ फर्स्ट लिबरल थिंकर ग्रीन पहले उदारवादी हैं जिन्होंने यह स्पष्ट रूप में माना कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है Even human beings are social. Our self is social. He is the first liberal thinker who said that self is social. Human beings are social. व्यक्ति सामाजिक प्राणी है इसका मतलब है हम अगर सामाजिक प्राणी है इसका मतलब हमारा निर्माण कहां से हुआ परिवार से विद्यालय से विश्वविद्यालय से हम एटम जैसे नहीं है हम एटम जैसे नहीं है कि हमने सारी दुनिया बना ली क्लासिकल लिबरल्स तो यही बात करते थे उनका नहीं जो भी हमारा क्षमता है जो भी हमारी प्रतिभा है उसमें कम्युनिटी का बड़ा योगदान है कम्युनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट हम क्यों है क्योंकि कम्युनिटी है इन्होंने फिर बदल दिया मामले को अच्छा ये बात ज्यादा लॉजिकल दिखती है पहले परिवार आया पहले मैं आया पहले मैं या पहले परिवार तो गृह ने कहा भाई व्यक्ति सामाजिक प्राणी है वो समाज से सारी चीजें लेता है इसका यह भी मतलब है
अगर कोई संपत्तिशाली है तो केवल अपनी क्रेडिट मत मानिए, हमारी क्षमता हमारी प्रतिभा ना ना, उसमें बहुत सारे लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है, पेरेंट्स का, टीचर्स का बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन है, तब आप इतने आगे पे हैं। और करें ना ना कि मेरे कारण दुनिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन लोगों ने क्या कहना है, सोसाइटी इज मोर इंपॉर्टेंट। अब सोसाइटी मोर इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है जो गरीब है बीमार है उनको हटाने की जिम्मेदारी भी सोसाइटी की है, क्योंकि सोसाइटी में जो गरीब हो गया ऐसा नहीं को लाज, वो ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल नाकाम था, ऐसा नहीं कि वो कामचोर था, वो अक्षम है। इसका मतलब है कि सोसाइटी ने उसे सही अपॉर्चुनिटी नहीं दी। इस अगर समाज में कोई समस्या है तो उसको हल करने का दायित्व किसका होता है, समाज का ही होगा। और स्वाभाविक रूप में समाज पहले है तो स्वतंत्रता पूरे समाज को मिलनी चाहिए, व्यक्ति को ही, पूरे समाज को। अगर समाज ही पहले आएगा तो व्यक्ति के संपत्ति अधिकार को थोड़ा नियंत्रित किया जाए कि नहीं, इसे आप याद रखिए। इसी का परिणाम था अगला पॉइंट, परिणाम स्वरूप मिल ने कहा कि समाज में सभी व्यक्ति एक समान परिस्थिति में नहीं होते। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज नॉट स्टैंडिंग ऑन इक्वल फुटिंग इन सोसाइटी। समाज में सभी व्यक्तियों की स्थिति और हैसियत एक समान नहीं होती। सभी व्यक्तियों की स्थिति और हैसियत एक समान नहीं होती, उनकी किताब थी ब्रैकेट में पॉलिटिकल इकोनॉमी, उसमें विचार उन्होंने कहा था सभी व्यक्तियों की स्थिति और हैसियत एक समान नहीं होती। इसीलिए राज्य के द्वारा वंचित वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं की जाएंगी। Therefore, state will provide the welfare measures for the deprived sections of society. इसलिए राज्य के द्वारा वंचित वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। जिससे उदारवादी विचार आम जनता का विचार बन गया। Therefore, liberal ideology became the mainstream ideology in England. इसे उदारवादी विचार आम जनता का विचार बन गया, mainstream ideology बन गया। और तीसरा, अभी बात आप जानते हैं कि राज्य इतनी सुविधाएं प्रदान कर रहा है, पैसा तो लगेगा ही लगेगा। इसलिए स्वाभाविक रूप में कल्याणकारी राज्य के लोगों ने अगली बात भी कह दी। सकारात्मक उदारवादियों ने कहा इसका मतलब है भाई राज्य एजुकेशन दे रहा है, आज के डेट में राज्य इतना पैसा अगर खर्च कर रहा है, पैसा तो राज्य के पास चाहिए। और अभी तक लोगों ने क्या मान रखा था, संपत्ति पे हमारा नियंत्रण, लेसेस फेयर। उनका नहीं, इस अगला हेडिंग अहस्तक्षेपवादी राज्य में परिवर्तन, द चेंज इन द लेसेस फेयर स्टेट। अहस्तक्षेपवादी राज्य में परिवर्तन, चेंज इन अ लेसेस फेयर स्टेट। अच्छा, वैसे भी आप तार्किक रूप में देखेंगे तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का प्रिंसिपल वैसे भी जस्टिफाइड नहीं है, ये ह्यूमन सोसाइटी में बिल्कुल लागू नहीं हो सकता। जो लोग भी ऐसी बात करते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बहुत ध्यान देने की बात है, बच्चा पैदा होता है देन इट्स नॉट ए फिटेस्ट, और बूढ़ा हो जाता है तब नॉट फिटेस्ट,
कि ह्यूमन सोसाइटी की विशेषता क्या है, हम बच्चों को इतना प्रोटेक्ट करते हैं और बूढ़े को इतना सम्मान देते हैं, अगर ऐसा इतना नहीं तो हमारा समाज जंगल जैसा हो जाएगा। जंगल में बूढ़ा से रह नहीं पाता, मार दिया जाता है, बस जवानी में उसका रुतबा रहता है। तो भाई ऐसा समाज तुम नहीं बना सकते, इसलिए बड़ा जस्टिफाइड नहीं है कि समाज को हम इस आधार पर नहीं चला सकते। तो ग्रीन ने कहा भाई पैसा कहां से आएगा, इसका मतलब लेसेस फिर स्टेट में इंटरफियर होगा, तो कहीं ना कहीं इंटरफियर तो मार्केट इकोनॉमी में हो रहा है। और ग्रीन ने कहा बिल्कुल होना चाहिए और किया भी गया। इसलिए अब देखेंगे एक बड़ा इंटरेस्टिंग विचार आया आजकल, जरा आजकल अब देखिए ये जो जो विचार दिए गए वही तो वर्तमान में लागू है। अच्छा बताइए हमारे यहां सबसे बड़े टैक्स पेयर्स में किसके नाम है, इंडिविजुअल टैक्स पेयर में। मैं कारपोरेट टैक्स पेयर की बात करी फिर तो अंबानी का नाम, रिलायंस का नाम आएगा। इंडिविजुअल टैक्स पेयर में कई बार अक्षय कुमार के नाम टॉप पे आते हैं। अब बताइए अक्षय कुमार सबसे ज्यादा कर क्यों देते हैं, क्योंकि जब सबसे ज्यादा कमाते हैं। तो सवाल ये अक्षय कुमार कमाते हैं तो क्या उनके कमाने में हमने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन दिया क्या। एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात देखिए आजकल, अब जीएस में अब देखिए एक बात है, अब जीएस फोर्थ पेपर गवर्नेंस, गवर्नेंस का एक एक सिद्धांत पॉलिटिकल साइंस से आता है, केवल उसके नाम नए नए रख दे। आपने सुना कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पिछले आपने सुना होगा कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसका अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल आपको बता दें, जैसे केदारनाथ में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में, जहां से केदारनाथ के लिए अब सर्विस शुरू कर दी गई है हेलीकॉप्टर की, हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू होने के कारण टूरिस्ट के लिए बिकेम वेरी इजियर। लेकिन जो वहां स्कूल में उस गांव के रूट में बच्चे पढ़ते थे प्राइमरी स्कूल में, उनका पढ़ना मुश्किल हो गया। भाई हर 5 मिनट पे एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, टीचर बोल रहा है बच्चे सुन नहीं पा रहे। तो यहां सारे टीचर्स ने डीएम से बोला कि सर ये बताइए ये जो प्राइवेट कंपनियां मुनाफा ले रही हैं उससे तो हमारा जीवन, बच्चों का जीवन चौपट हो जाएगा। तो डीएम ने कहा मतलब क्या है, उनका सर मतलब ये है कि सर समाधान चाहिए। डीएम ने सारे हेलीकॉप्टर कंपनियों के सीईओ को बुलाया, उनका आप सारे स्कूल को साउंड प्रूफ करवाइए, खर्चा आप उठाएंगे। और उन्होंने ऐसा किया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नया विचार आ गया। अरे भाई वेलफेयर स्टेट का ही तो नए नए नाम है ये, वेलफेयर नाम नए नए बदल दीजिए आप। इसलिए सामाजिक भलाई का विचार यानी प्रगतिशील कर आरोपण का विचार कौन लेकर आया, वेलफेयर स्टेट। यानी पहले तो ये कहा करते थे लोग कि ना ना हम संपत्ति में कर ही नहीं, टैक्स क्यों दे हम, भाई कमाते हैं हमें, हमारी संपत्ति हमारी क्षमता है हमारी प्रतिभा, टैक्स क्यों दे। तो लोगों का अगर भाई टैक्स नहीं देंगे पुलिस और सेना कैसे रहेगी, उनका ठीक है मिनिमम टैक्स ले लीजिए 2% 4%। अब क्या होता है जो ज्यादा कमाएगा वो ज्यादा टैक्स देगा, और जो नहीं कमाएगा वो नहीं टैक्स देगा। और जो अच्छा जो सरकार वेलफेयर काम कर रही है उससे फायदा अक्षय कुमार को हो रहा है या नत्था और कचरा को, यू रिमेंबर नत्था एंड कचरा। आप फिल्में को देखते कि नहीं देखते, फिल्में देखना अच्छी बात नहीं है। नत्था कौन था, अरे कचरा था नगाल में, नत्था पीपली लाइव में था। इसे आप याद रखिए जितने भी मोदी के द्वारा या भारतीय सरकार के द्वारा जो गरीबों के लिए घर बनाया जा रहा है, क्या मोदी अपना पैसा निकाल रहे हैं क्या, टैक्स पेयर का पैसा है। इसलिए राज्य ने इकोनॉमी में इंटरफियर करना शुरू कर दिया, राज्य गाना भाई हम इसको चेंज करेंगे तभी तो हमें पैसा चाहिए। तो पहला पॉइंट, पहला बाजारवादी अर्थव्यवस्था, बाजारवादी अर्थव्यवस्था की विसंगति जेम्स मिनार्ड कीन्स के द्वारा बाजारवादी व्यवस्था की विसंगत जेम्स मिनार्ड कीन्स के द्वारा बताई गई, KEYNES कीन्स, JM कीन्स, बाजारवादी अर्थव्यवस्था की विसंगति जेम्स मेनार्ड कीन्स के द्वारा बताई गई, जिन्होंने कहा
जिन्होंने कहा ये मैं फर्स्ट टाइम, इसलिए एक बात और देखे, कल्याणकारी राज्य का नाम एक और नाम से केन्सवाद, केन्सिज्म, जेम्स मेनार्ड केन्स के नाम पर क्या विचार आ गया, केन्सिज्म। तो वेलफेयर स्टेट का नाम चाहे नैनी स्टेट कहिए, चाहे पॉजिटिव लिबरलिज्म कहिए, चाहे वेलफेयर स्टेट कहिए, चाहे केन्सिज्म कहिए, चाहे मॉडर्न लिबरलिज्म कहिए, सारे मतलब एक है, चाहे पॉजिटिव लिबरलिज्म कहिए, अभिप्राय एक है। तो केन्स ने, अच्छा केन्स ने कहा क्या था, बड़े सिंपल सा मतलब बता दें आपके इसका। देखिए पहले तो कहा गया मार्केट इकोनॉमी में कि मार्केट इकोनॉमी इज द बेस्ट मैकेनिज्म, कि हर समस्या का समाधान क्या है, बाजारवादी अर्थव्यवस्था है। लेकिन बहुत ध्यान से आप देखिए, जैसे आर्थिक मंदी आती है, तभी जब 2008 के बाद आर्थिक मंदी दुनिया में आई, तो आर्थिक मंदी का समा भाई इकोनॉमिक रिसेशन क्या है, बाजार में सामान बिकने बंद हो गए, दैट इज इकोनॉमिक रिसेशन। देयर इज अबंडेंस ऑफ गुड्स इन मार्केट, बाजार में सामानों की कमी नहीं है, खरीदार नहीं मिल रहे हैं। मैं खरीदार क्यों नहीं है, क्योंकि देयर इज अ लैक ऑफ परचेजिंग पावर, लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। खरीद क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। तो फिर अब खरीद नहीं है, इसका मतलब डिमांड कम हो रही है, डिमांड कम होगा तो कंपनी क्या करेगी, पहले उत्पादन घटाएगी, बाद में कर्मचारियों को फायर करेगी, बाहर करेगी, कि भाई हमारे पास काम ही नहीं है, हम कैसे काम करें, और इससे इकोनॉमिक क्राइसिस और बढ़ जाएगी। भाई दो कुछ जो लोग कमाते थे उनको अपने बाहर कर दिया, सामान कौन खरीदेगा। कीन्स ने उल्टा सिद्धांत बताया, कीन्स ने कहा कि जब इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए तो स्टेट का रोल मेजर होना चाहिए, स्टेट को प्राइम पंपिंग करना चाहिए। इससे स्टेट क्या करेगा, रेलवे बनवाना शुरू कर दे, सड़क बनवाना शुरू कर दे, हाईवे बनवाना शुरू कर दे, डिमांड तो बढ़ेगी, लोगों को काम मिलेंगे, रोजगार मिलेंगे, रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, तभी तो बाजार से नए सामान खरीदेंगे। इसलिए कीन्स ने कहा कि मार्केट इकोनॉमी इज वर्स्ट मेथड टू मैनेज द इकोनॉमी। पहली बार बाजारवादी अर्थव्यवस्था पर इतना बड़ा हमला था ये, और कहा जाता है ये उनका विचार 1930 की आर्थिक मंदी के दौर में आया था। उनका ये मार्केट इकोनॉमी आपकी है, उन्होंने किताब भी लिखी, थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। उनका नहीं, इस बात को करेक्ट करिए, और अब देखेंगे 1930 के दशक के बाद बाजारवादी अर्थव्यवस्था का आकर्षण घटने लगा। इस संदर्भ में उन्होंने बात कही थी। तो क्या लिखा आपने, उन्होंने कहा कि राज्य का बाजार में हस्तक्षेप होना चाहिए, स्टेट इंटरवेंशन इन द मार्केट इज एसेंशियल। उन्होंने कहा कि राज्य का बाजार में हस्तक्षेप होना चाहिए जिससे मंदी का खतरा टल जाता है। स्टेट इंटरफेरेंस इन मार्केट इज एसेंशियल विच अवॉइड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, जिससे मंदी खतरा टल जाता है, और जेएस मिल ने प्रगतिशील करारोपण के विचार का समर्थन किया। जीएस मिल है सपोर्टेड द नोशन ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, प्रगतिशील करारोपण के विचार का समर्थन किया। प्रगतिशील करारोपण के विचार का समर्थन किया जिससे प्रगतिशील करारोपण के विचार का समर्थन किया जिससे राज्य आम लोगों के लिए कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। देयरफॉर स्टेट विल प्रोवाइड द वेलफेयर फैसिलिटीज फॉर द पीपल, जिससे राज्य के द्वारा आम लोगों के लिए कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सवाल यह है, वैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है यहां पे, सवाल यह है, हम समाजवाद इसी के बाद पढ़ेंगे, लिबरलिज्म के बाद सोशलिज्म, लेकिन
सवाल, अब एक सवाल उठा यहां पे, ये उदारवाद हो गया या समाजवाद हो गया? हम कंपेयर बाद में करेंगे, क्योंकि अभी समाजवाद को लाएंगे कंफ्यूजन बढ़ेगा आप में, थोड़ा सा उलझेंगे जिन लोगों ने, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि यू आर बिगनर, आपने इस विषय में कुछ भी नहीं पढ़ा है, हम ये मान के चलते हैं। जिन लोगों ने पढ़ा है अच्छी बात है, हमें तो सबका ध्यान रखना है, सबका साथ, यही तो वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट में ही सबका साथ सबका विकास। अच्छा दूसरी बात, लेकिन सवाल तो पूछा है, और मैं बार बार बीच में सवाल इसलिए, आप में विश्लेषण की टेंडेंसी डेवलप हो। पहला, जो उदारवाद का आधुनिक रूप अभी हमने देखा, क्लासिकल का विस्तार है या पूरा चेंज है? कितना चेंज है, कितना चेंज है? यानी हम ये बाद में देखेंगे कि आखिर में कई लोगों ने कहा रही आ रही है तो समाजवाद जैसा दिख रहा है, लेकिन बात आप ध्यान देखिए, ये समाजवाद नहीं है, उदारवाद ही है। तो उदारवाद समाजवाद में फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं, सोच में विचार में फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। फिर भी, लेकिन जब दूसरा सवाल आएगा ये क्लासिकल से कितना चेंज है, एक बार बहुत ध्यान से देखिए, न तो मिल ने, न तो कीन्स ने, न तो ग्रीन ने, जितने भी लिबरल्स हैं इन फंडामेंटल वैल्यूज को मान के चलते हैं। बात याद रखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की समाप्ति थी या संशोधन था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, कोई भी उदारवादी लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के विचार से हट ही नहीं सकता, वो रूल ऑफ लॉ, संविधान का शासन, विधि का शासन, उसके लिए और उसका विकल्प ही नहीं है। और लिबरल की सबसे बड़ी पहचान है वो ऑटोनॉमी को कभी पीछे नहीं करेगा, लिबर्टी राइट्स को कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं होता, बस एक तरीके से कॉकटेल था, हाँ भाई व्यक्ति तो रहेगा, थोड़ा सा वंचित लोगों का भी ध्यान रख लें, इसी बात की पूरी कवायद थी। उदारवाद के फंडामेंटल्स में चेंज नहीं हुए, और वो आज तक चेंज नहीं है। उदारवाद ने जो ये फंडामेंटल रखा उसमें तो आज तक चेंज नहीं है, इसलिए कई बार लोगों ने कह भी रखा है कि उदारवाद में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रही, समय के साथ इसको चेंज किया गया, लेकिन उसके फंडामेंटल बेस चेंज हुए नहीं। तो ग्रीन ने भी कहा कि अब समुदाय की भलाई की जाए, व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, जब उसे पूछा गया अच्छा व्यक्ति सामाजिक प्राणी है तो स्वतंत्रता का क्या किया जाए, उन्होंने कहा स्वतंत्रता पैदाइशी है, उसका कुछ नहीं कर सकते, वो रहेगी रहेगी। कोई भी उदारवादी व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने के लिए सहमत नहीं होगा। सीमित संवैधानिक शासन के विल नेवर अलाउ टू इनक्रोच इन द नोशन ऑफ लिमिटेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। बस इतनी बात थी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक थॉट फोंक पीट के ठीक किया गया। नाइट वॉचमैन स्टेट को कहां बना दिया गया, वेलफेयर स्टेट में। यानी कुल मिला के उदारवादी विचारधारा पहले क्या थी, जैसे गंगा नदी यहां निकलती है देखिए बड़ी सकरी थी, विस्तार आते आते क्या हो गया, विस्तार हो गया। जैसे बौद्ध धर्म क्या था, हीनयान से महायान बन गया, भाई एक कंपेरिजन को कहीं भी लागू कर लीजिए। वैसे उदारवाद क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहमति लेता चला गया, लेकिन उसके फंडामेंटल वैसे चेंज नहीं हुए। वैसे कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं यार कुछ तो चेंज हुआ ही, पहले लोग मानते थे स्वार्थी है, केवल अपना ही प्राथमिकता है, अब तो समाज की भलाई वाला शब्द आ गया। समाज की भलाई के साथ उसने व्यक्ति की आजादी को कभी भी दबाने की बात नहीं की। अगर उदारवादियों से आप ये कहेंगे अरे समाज की भलाई के लिए व्यक्ति आजादी छीन ली जाए, संवैधानिक शासन खत्म कर दिया, नो नॉट एट ऑल, समाज की भलाई होगी व्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन करके नहीं, तो उसका फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ, अब वो आज तक ही चलता जा रहा है। अब लेकिन उदारवादी हो गया जरा व्यवहार में, आप देखें कल्याणकारी राज्य का व्यवहार, हाँ यहां तक कोई कुछ पूछना हो तो बताइए, अभी तक तो हमने बताया तो कई बार, अब मान ली कोई चीज हम यहां बता रहे हैं, जो नहीं बताया उसको थोड़ा सा कुछ लोगों ने पूछा हुआ समुदायवाद, ये सब थोड़ा रुक जाइए, समुदायवाद बस एक बात आपको बता देंगे। किसी ने पूछा है वणिकवाद को, फिर से बता दे भाई, वणिकवाद का मतलब उदारवाद का जस्ट विरोधी, उदारवाद मुक्त व्यापार की बात करता है, वणिकवाद संरक्षण की बात करता है। मर्केंटलिज्म बिलीव्स इन प्रोटेक्शनिज्म, उदारवाद कहता है कि बाजार होना चाहिए, वणिकवाद कहता है कि राज्य का अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप होना चाहिए। मर्केंटलिज्म का मतलब है कि जैसे राज्य के सैनिक राज्य की सीमा की रक्षा करते हैं, वैसे अपने बाजार की रक्षा के लिए
प्रशुल्कों को ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है. इवन वी कैन रेज द लिमिट ऑफ टैरिफ विच कैन प्रोटेक्ट आवर डोमेस्टिक इकोनॉमिक मार्केट. दैट इज अ बेसिक नोशन ऑफ अमेरिकनिज्म. तो वणिकवाद का मतलब है राज्य के द्वारा संरक्षित अर्थव्यवस्था, उदारवाद का मतलब बाजारवादी अर्थव्यवस्था. तो ये निष्कर्ष भी आपको बता दे, तो उसमें कॉन्टिन्यूटी भी है. उदारवाद में केवल चेंज ही नहीं है, कॉन्टिन्यूटी भी है. लेकिन फिर वेलफेयर स्टेट पे आ जाए, ये तो वेलफेयर स्टेट का सिद्धांत है कि प्रैक्टिस में कैसे आया. अब हम देखेंगे कल्याणकारी राज्य का व्यवहार कैसे है. पहला, हाँ बताइए बताइए क्या क्या इसमें. नहीं, उदारवादी में है वो, क्लासिकल लिबरल्स में है. न उदारवादी बिल्कुल नहीं. शुमपीटर अभी आएंगे आगे, जितना मैंने बताया वो पूछ ली, उसके बाद हम आगे बता देंगे. सुम्पीटर क्लासिकल में नहीं. अरे भाई, वो तो 20वीं शताब्दी के सब लोग हैं, कहां हम 17वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं. ये हटा दें, कुछ पूछना हो बताइए. तो अगला तरह देखें, कल्याणकारी राज्य का व्यवहारिक रूप. अगला हेडिंग क्या है? कल्याणकारी राज्य का व्यवहारिक रूप. जैसे उदारवाद इंग्लैंड में उत्पन्न हुआ, वैसे वेलफेयर स्टेट भी इंग्लैंड और अमेरिका में आया. और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था, वेलफेयर स्टेट के दो प्रकार के प्रयोग हुए. फर्स्ट वाज इन इंग्लैंड. वैसे इंग्लैंड के अलावा और भी यूरोपीय देशों में आया, लेकिन और भी यूरोपीय देशों में लगभग इंग्लैंड जैसा था. दूसरा प्रयोग हुआ यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में. वेलफेयर स्टेट के दो मॉडल्स का यूज किया गया इंग्लैंड में. एक बार दो ध्यान में रखने की है, इंग्लैंड में जो कल्याणकारी राज्य आया, कल्याणकारी राज्यों का पैसा उसको चाहिए, हस्तक्षेप करेगा इकोनॉमी में. तो इंग्लैंड में क्या हुआ कि राज्य का पैसे पर नियंत्रण हो, जिससे राज्य कल्याणकारी काम कर सके, उसलिए राज्य ने दो तरीका अपनाया. भाई क्योंकि कल्याणकारी राज्य का मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को थोड़ा रेगुलेट करेगा, वो नियंत्रण करेगा, खत्म नहीं करेगा. अब नियंत्रण करने के लिए उन्होंने क्या उपाय बताया? पहले मिक्स्ड इकोनॉमी. इंग्लैंड ने किस सिद्धांत को आगे बढ़ाया? मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो याद रखिए जो एग्जैक्टली हमने लिया था इंग्लैंड से. तो इंग्लैंड में क्या हुआ? मिक्स्ड इकोनॉमी. अब मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. सार्वजनिक और निजी उद्यमों का सम्मिश्रण ही मिक्स इकोनॉमी कहलाता है. सार्वजनिक उद्यम का मतलब है सरकार नियंत्रित उद्यम. पब्लिक सेक्टर मींस सेक्टर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर है. प्राइवेट सेक्टर का मतलब है सेक्टर कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट पर्संस. जैसे कि रिलायंस क्या है? प्राइवेट सेक्टर. और दूरदर्शन क्या है? पब्लिक सेक्टर. रेलवे क्या है? पब्लिक सेक्टर. अब यानी इंग्लैंड में क्या हुआ, जितने बड़े बड़े उद्योग थे, रेल था, इसमें एविएशन था, डाक तार थे, जितने की माइंस था, उन सब पर नियंत्रण किसने कर लिया? राज्य ने. और आप याद रखिए मिक्स इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर को डोमिनेंट बनाया गया, और जो छोटे मोटे उद्योग थे वो प्राइवेट आदमी चलाए. इसका फायदा पब्लिक सेक्टर की स्थापना का मूल पर्पज क्या था? भाई उद्यम सरकार का रहेगा तो उद्यम से जो फायदा मिलेगा वो भी आम जनता को जाएगा. गवर्नमेंट इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग एजेंसी. बात आप ध्यान में रखिए, भाई बीएसएनएल घाटे में जाता है. क्यों? वो सामाजिक बीएसएनएल कहां टेलीफोन लाइन लगाएगा? उत्तराखंड के दूर दराज के पहाड़ों में जहां एक चिड़िया नहीं दिख रही है वहां बीएसएनएल कनेक्टिविटी आ जाएगी. इसलिए हु रियली कनेक्ट द इंडिया? ओनली बीएसएनएल. दिल्ली में तो कई है, वोडाफोन तो लोडाफोन तो. दिल्ली में कौन सा दोस्त? दिल्ली में तो मार्केट है, दिल्ली में तो हर कंपनी काम करने को तैयार है. कंपनी तो वो है जो लद्दाख में काम करे, और लद्दाख में कोई कनेक्टिविटी किसकी है? बीएसएनएल. बिकॉज स्टेट डजंट वर्क फॉर प्रॉफिट मेकिंग. लोग रेलवे घाटे में जा रहा है, घाटे में जा रहे, घाटे में क्यों नहीं जाएगा? बिना टिकट हम चलते हैं. रेलवे ने घाटे में जाके, दोस्तों रेलवे भले घाटे में गया हो, समाज को उसने फायदा किया.
ऐसे लोग जिनके पास पैसे नहीं होते वो रेल की यात्रा करते हैं, उसमें बकरी कोरी सब लाद लेते हैं, साइकिल बकरी गट्ठर लकड़ी। अब बताइए, इसलिए राज्य का काम सामाजिक दायित्व है या केवल प्रॉफिट मेकिंग है? और हम कंपेयर कर लेते हैं, घाटे में गया घाटे में गया घाटे में गया, अरे समाज फायदे में गया। इसी याद रखिए दोस्तों, आजकल आप देखिए, आजकल तो अच्छा आजकल की बात हम थोड़ा आगे बता देंगे, इस वजह से पब्लिक सेक्टर आया है तो पब्लिक सेक्टर से फायदा लोगों को होता है। और दूसरा उसने क्या किया, उसके साथ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, पैसा लेने के लिए दो सिद्धांत अपनाया कल्याणकारी राज्य ने, दूसरा क्या है प्रगतिशील करारोपण। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, अब इससे कल्याणकारी राज्य का ये दो बेस था जो इंग्लैंड में अपनाया गया, और बहुत ध्यान देने की बात है यही एग्जैक्टली इंडिया में अपना लिया गया, यही विचार अपनाया गया अमेरिका में। अमेरिका में ऐसा नहीं था, क्योंकि याद रखिए अमेरिका में पब्लिक सेक्टर जैसा कोई कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं रहा, कभी रहा ही नहीं। अच्छा अमेरिका की खास बात थी, अमेरिका कैसे जमीन था भाई, इंग्लैंड तो हजारों साल पहले बना हुआ देश है, अमेरिका 300 साल पहले बना, और अमेरिका में ज्यादातर लोग बाहर से जाके बस गए, इसे अमेरिका में कभी उस तरीके की डिस्पेरिटी नहीं रही जैसा कि एक परंपरागत समाज में होती है। और भारतीय समाज 5000 साल का पुराना है, डिस्पेरिटी इतनी गंभीर है? अब जो समाज 100 साल पुराना बनेगा उसमें डिस्पेरिटी उतना ज्यादा नहीं होगी। अमेरिका में सोशलिस्ट आइडिया कभी जड़ जमा ही नहीं पाया, इसे अमेरिका में पब्लिक सेक्टर जैसा कोई विचार कभी भी नहीं रहा, आज तक नहीं है। लेकिन कल्याणकारी राज्य तो वहां भी अपनाया गया 1930 के बाद, रूजवेल्ट ने वहां कल्याणकारी अपनाया, और इंग्लैंड में इटली की सरकार ने कल्याणकारी राज्य अपनाया। तो जो अमेरिका में कल्याणकारी राज्य था उसका विचार क्या था, केवल प्रगतिशील करारोपण। व्हाट वॉज बेस अ वेलफेयर स्टेट इन यूनाइटेड स्टेट, इट वॉज ओनली एंड ओनली प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। वेलफेयर वो सार्वजनिक सेक्टर था ही नहीं, अमेरिका में क्या अपनाया गया, केवल प्रगतिशील करारोपण का विचार अपनाया गया। इसलिए दोनों के कल्याणकारी राज्य के विचार में टेक्निकल फर्क थे। अब दोनों कल्याणकारी राज्य चल गया, लेकिन एक बात समान थी कि दोनों के राज्य ने सामाजिक आर्थिक गतिविधियों और बहुत पैसा लगाया, शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। कल्याणकारी राज्य काम दोनों में एक जैसा था, पैसे लाने का तरीका दोनों में अलग था। उसके बाद यूरोप के कई देशों ने कल्याणकारी राज्य अपनाया। अच्छा तीसरा भी यूरोप में कई बार मॉडल चलता था जो जर्मनी जैसे देश में अपनाया गया, जैसे जापान में भी कैपिटलिज्म अपनाया गया। कैपिटलिस्ट मॉडल पूरी दुनिया में एक ही जैसा नहीं अपनाया गया, जापान में आप देखेंगे पूरी कंपनीज प्राइवेट हैं, होंडा इनोवा ये सब, ये आपका जितनी भी टोयोटा सारी कंपनी प्राइवेट है। अच्छा प्राइवेट कंपनी कैसे चलती है, जब तक आपकी आवश्यकता है तब तक रखा, जबकि आवश्यकता खत्म हो गई हटा के बाहर कर दिया। जापान जैसे देशों ने ऐसा सिद्धांत नहीं अपनाया, जर्मनी ने भी ऐसा सिद्धांत नहीं अपनाया। जापान जर्मनी में सारी कंपनी प्राइवेट है, लेकिन सरकार की वेलफेयर फैसिलिटी सुविधा है, वर्कर्स की उतने ज्यादा हायर वेजेस हैं। जापान में किसी वर्कर को निकाला नहीं जाता, कंपनी है प्राइवेट। तो लोगों ने पूंजीवाद को अलग अलग तरीके से ढाल लिया, लेकिन वेलफेयर स्टेट का विचार तो पॉपुलर हुआ। अब वेलफेयर स्टेट लग गया, और भारत जैसे विकासशील देशों में एशिया में अफ्रीका में खूब कल्याणकारी राज्य का विचार लग गया, और ऐसा लगा अब उदारवाद ने समाजवाद के चैलेंज को खत्म कर दिया। फिर अगला हेडिंग, कल्याणकारी राज्य में क्या प्रॉब्लम आ गई। अब जो अगला डिबेट फिर आगे बढ़ गया कि प्रॉब्लम्स इमर्ज इन द वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य में क्या समस्याएं विद्यमान हो गई। अब अगर हम कल्याणकारी राज्य की समस्या को देखें, फिर एक बार मैं थोड़ा हिस्टोरिकल एग्जांपल कुछ देना पड़ेगा जिससे समस्या स्पष्ट हो जाए। अब जरा देखें कि
अगर हिस्टोरिकली हम देखें कल्याणकारी राज्य का विचार प्रैक्टिकल कब हुआ, 1945 के बाद, इन अ पोस्ट कोल्ड, इन अ कोल्ड वॉर वर्ल्ड, इन अ पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1945 के बाद कल्याणकारी राज्य का विचार बड़ा प्रभावी हुआ, लेकिन उस समय और सिस्टम क्या था ये भी तो हम देख ले, जो हमें आगे पढ़ना भी है। जैसे अमेरिका, यूएस और वेस्ट यूरोप में क्या था, कल्याणकारी राज्य का विचार, क्योंकि वहां उदारवादी विचार थे, तो यहां पे था वेलफेयर स्टेट। लेकिन जो बात ध्यान में रखने की है, दूसरा 1945 के बाद सोवियत संघ ईस्ट यूरोप में क्या था, अब जरा देखें व्हाट वाज इन सोवियत यूनियन एंड ईस्ट यूरोप। सोवियत संघ ईस्ट यूरोप में क्या था, सोशलिस्ट स्टेट। एक बात आप याद रखिए, अच्छा वेलफेयर स्टेट लिबरल स्टेट था, यहां पे क्या हो गया, सोशलिस्ट स्टेट। और अब देखिए सोशलिज्म तो हमें अलग से भी पढ़ना है। और तीसरा याद रखिए, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई, जर्मनी में कटप्पा का उदय, हिटलर। फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच में एक ऐसी घटना हुई जिसकी शायद न उदारवादियों ने कल्पना की थी और न ही समाजवादियों ने, और वो क्या था, इटली एंड जर्मनी। इटली जर्मनी में क्या था, फासिज्म, फासीवाद, फासिस्ट गवर्नमेंट आ गई। अब फासीवाद हम अलग से पढ़ना है सिलेबस में, देखिए फासीवाद अलग से है, समाजवाद अलग से है, लेकिन कल्याणकारी राज्य की समस्याओं को देखने के लिए हमें तीनों को कंपेयर करना पड़ेगा। अब जब तीनों की कार्यप्रणाली में अंतर आपको बता दें, देखिए ये वेलफेयर स्टेट कैसे काम करता है, एक बात आप देखिए, तीनों के सिद्धांत अलग है, तीनों के सिद्धांत अलग है। अच्छा सोवियत संघ समाजवादी व्यवस्था वैसे काम करती थी, अब तो रहा नहीं वहां, जैसा अभी भी चाइना में काम करता है। तो यहां पे राज्य कैसे काम करता है, एक पार्टी है, वन पार्टी सिस्टम, एक ही पार्टी को वोट दीजिए न दीजिए आपकी मर्जी है, चुनाव में वही जीतेगा। यानी जरा मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव को देखिए, मैदान में एक उम्मीदवार है, आप किसको वोट देंगे, एक उम्मीदवार है, उसी को चयन करिए न चयन करिए आपकी मर्जी है, पहला। और दूसरा, यहां बोलने की आजादी नहीं होती, यहां अधिकार नहीं होता, क्या होती है, ड्यूटी। तीसरा, व्यक्ति की प्राथमिकता नहीं होती, इंपॉर्टेंस किसका होता है, स्टेट और सोसाइटी। लेकिन वेलफेयर स्टेट जो यूरोप और अमेरिका में आया, वहां पे क्या था, मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय प्रणाली। यहां पे क्या था, स्वतंत्रता और अधिकार था, लिबर्टी और राइट्स था, स्वतंत्रता अधिकार। यहां पे कौन महत्व था, व्यक्ति, स्टेट नहीं। इसका मतलब एक शब्द में कहें, समाजवादी व्यवस्था में रूल ऑफ लॉ नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं थी, यहां पे क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट थी, यहां कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं थी। लेकिन एक बहुत खास बात है, याद रखिए जब सोवियत समाजवादी देश बना, कल्याणकारी सुविधाएं यहां ज्यादा मिलती थी या यहां, सिद्धांत में तो अंतर है। और समाजवाद से हमने थोड़ा सा कंपेयर किया, समाजवाद तो हमें अलग से पढ़ना है। और जरा देखिए, समाजवाद में एक पार्टी सरकार, यहां पे बहुदली, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, यहां पे कर्तव्य पे बल दिया था, यहां पे लिबर्टी एंड राइट्स, यहां पे स्टेट सोसाइटी इज मोर इंपॉर्टेंट, यहां पे व्यक्ति का महत्व ज्यादा है। लेकिन सवाल यह है, कल्याणकारी सुविधाएं कहां ज्यादा दी गई, यहां सोवियत संघ में। सोवियत संघ में कल्याणकारी सुविधाएं ज्यादा दी गई, सोवियत संघ का तो यह हाल था, इन लोगों ने केवल शिक्षा दिया, स्वास्थ्य दिया। सोवियत संघ ने तो यह कह दिया,
पूरे जीवन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा कौन देगा? राज्य। बच्चा 5 साल का ऊपर हुआ, राज्य ने बच्चे को गोद ले लिया। अब पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं रही बच्चों को पढ़ाना लिखाना, राज्य से पढ़ाएगा और जिस स्ट्रीम में जाना चाहता है उस स्ट्रीम में भेजेगा। बच्चा खिलाड़ी बनना चाहता है उधर भेज देगा, पेरेंट्स की समस्या नहीं है। अगर कोई बीमार हो गया जाकर हॉस्पिटल में लेट जाए, ट्रीटमेंट जिम्मेदारी किसकी है? राज्य की। सोवियत संघ में तो ये था कि मान लीजिए कोई बेरोजगार व्यक्ति मॉस्को में आ गया तो फ्री ऑफ कॉस्ट रेंटल हाउस, आप कमरे में रहिए, किराए देने की आवश्यकता नहीं क्योंकि आप बेरोजगार हैं। अब बताइए ये कल्याणकारी या ये? सोवियत, और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था, उदारवादियों से कल्याणकारी राज्य ऐसे जुड़ गया, जहां भी उदारवादी जाते थे उदारवादियों से पूछा था भाई आप हो कौन, उनका कि हम लिबरल, तो कहा अच्छा अच्छा वही वेलफेयर स्टेट। जब ये जहां गए कहा हम भी वेलफेयर स्टेट, उदारवादियों का यार ये तो गंभीर गलती है, हम भी कल्याणकारी, सोवियत संघ भी कल्याणकारी, तो असली कल्याणकारी कौन? सोवियत संघ का हम। तो पूरी दुनिया किस विचार को अपनाए? इसे याद रखिए, ये विचार सुने के इनको कुछ कुछ होने लगा दोस्तों, इनको लगाना गंभीर गलती हो रही है, क्योंकि उदारवाद समाजवाद के बीच में कोई विभाजक रेखा बन नहीं पा रही थी। अब आम आदमी सिद्धांत क्या समझे? आम आदमी क्या पता है सिद्धांत के शब्द? आम आदमी तो कहता था अच्छा भाई कहां रहते हो? वेलफेयर स्टेट में। मास्को में कहां रहते हो? वेलफेयर स्टेट में। प्रभाव विचार किसका ज्यादा बढ़ने लगा? सोवियत संघ का। और अमेरिका का तो ऐसा लगा कि ना सोवियत संघ का देखो भाई सही वेलफेयर कौन करता है? हम करते हैं, ये तो ऐसे ही बस लॉलीपॉप देते हैं, सही वेलफेयर नहीं करते। पहली समस्या ही। और दूसरा, इधर दोस्तों जब हिटलर और मुसोलिनी आए तो उनका हमारे जैसा वेलफेयर कौन करता है? उनका सही वेलफेयर स्टेट कौन है? हम है। उनका हम भी वेलफेयर स्टेट है। इनका सही कल्याणकारी राज्य तो हम है। और एक बात याद रखिए, हिटलर और मुसोलिनी ने लोगों का कल्याण किया है, लोगों का खून पी लिया। हिटलर मुसोलिनी के विचार हमें, इन्होंने क्या क्या कुकृत्य किए वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि हमने लोगों का कल्याण कर दिया, यानी ये भी शिक्षा की सुविधा निःशुल्क, ये भी शिक्षा की सुविधा, ये भी शिक्षा की सुविधा, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर। और एक बात याद रखिए, पहली समस्या आ गई उदारवादियों के सामने, उदारवादियों को ऐसा लगा यार कि समाजवादी फासीवादी ये भी क्लेम कर रहे हैं कि हम वेलफेयर स्टेट हैं। पहली समस्या। दूसरा वेलफेयर स्टेट के सामने क्या समस्या है? दूसरी समस्या, राज्य कल्याण करेगा और राज्य उद्योग चलाएगा, राज्य कल्याण करेगा। अच्छा अभी भी भारतीय राज्य कल्याणकारी है या नहीं है? डीटीसी के बस पर कभी बैठे हैं? अच्छा कल्याण का, अच्छा दिल्ली में आप हैं तो अभी अमेरिका यूरोप इनसे भूल जाइए, ये व्यवहारिक बात करिए। अब इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट और नो? यस है। ठीक है तो राज्य काम क्या? बस चलाना। डीटीसी की बस में बैठे हैं, चलने लायक है या नहीं है? आप किसी ट्रेन पर बैठे हैं जो पैसेंजर ट्रेन होती है, खिड़की नहीं है, दरवाजे नहीं है, वॉशरूम में कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा लगता है। और एक बात याद रखिए, किसी सरकारी स्कूल और हॉस्पिटल में जाइए, एक एक बेड पे तीन तीन पेशेंट लेटे हुए हैं, तीन तीन पेशेंट लेटे हुए हैं। ये बताइए दोस्तों, राज्य कल्याण करेगा या राज्य का कल्याण करने की जरूरत है? अरे अजीब बात कर रहे हैं यार, राज्य के पास 58 नहीं है दोस्तों, 58। ये बताइए, अच्छा यहाँ पे कितने यूपी में कितने टीचर्स के बच्चे हैं? यहाँ पे टीचर्स इनके पेरेंट्स टीचर्स हो या फैमिली में कोई टीचर्स हो या खुद ही टीचर्स हो? अच्छा अभी वो बात जानते होंगे, क्या गवर्नमेंट सही समय पर पेमेंट देती है? नहीं। परिवहन की, एक बार मैं परिवहन की बस में बैठ गया दोस्तों, आगे जाके खड़ी हो गई, बस ने कहा, बस वाले ने कहा भाई धक्का मारना पड़ेगा। मैंने कहा यार ये देखो गलत बात है, आपने टिकट लिया धक्का मरवाने का? उन्होंने कहा सर देखो यही हमारे पास बस है, यानी बस ऐसा गड़गड़ 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 करके चलेगी। यूनिवर्सिटी में खुद पंखे के आकार ऐसे, तीन ब्लेड है ऐसे घूमे हुए हैं, बेंच टूटा हुआ है,
ओह माय गॉड, किसी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में चले, अभी गोरखपुर में बड़ा हंगामा हो गया, बच्चे मर गए। अरे ये तो पहली बार मीडिया में आ गया, हमारे यहां तो लोग मरने के लिए भी बस है, किसका कल्याण दोस्तों? बोले राज्य का कल्याण करो यार, राज्य के पास फूटी कौड़ी नहीं है, अब करे कल्याण करेगा। तीसरी समस्या जो आगाह किया 1944 में एक व्यक्ति ने, कल्याणकारी राज्य के खिलाफ वो आर्गुमेंट दिया दोस्तों, और याद रखिए उस आर्गुमेंट कोई सुना ही नहीं, क्योंकि कल्याणकारी राज्य का ऐसा तूफान था, ऐसी हवा थी कि कल्याणकारी राज्य के खिलाफ कोई आर्गुमेंट सुनने को तैयार नहीं था, जैसे अन्ना हजारे के समय अरविंद केजरीवाल खिलाफ कोई आवाज सुनने को तैयार नहीं था, वैसा माहौल था। लेकिन 1944 में एक ऐसे स्कॉलर ने कल्याणकारी राज्य की धज्जियां उड़ा कर रख दी, और अमेरिका यूरोप के विद्वानों को सचेताया, अगर आप इसी रास्ते पे चलते रह गए तो आप ऐसी जगह चले जाएंगे जो कल बताएंगे। आज के लिए इतना है।